यार आज हम आसिम भाई और मैं ना साथ ही ग्रॉसरी करने आए। अब इनकी और हमारी ये शर्त लगी है, मैं आया हूँ फर्स्ट टाइम अपनी वाइफ के साथ ग्रॉसरी करने, कि ये वाला जो सामान है आसिम भाई, जरा अगर वीडियो में दिखा सकें, ये वाला सामान कितने तक का होगा? आइडिया दें, आप आइडिया दें कि कितने पैसे लगेंगे। मुझे लगता है कि ये $300-350 के बीच में। अगर $500 लगे, मैं कह रहा हूँ $500 लगेंगे, क्योंकि मैं सेफ्टी साइड ले रहा हूँ, आसिम भाई कह रहे हैं 300, तो 350, चलो 300-350, और मैं कह रहा हूँ 500 तो लगेंगे ही लगेंगे। अगर 450 अबव चले गए, 480 अबव चले गए, तो मैं बैट जीत गया, वरना आसिम भाई। और अगर आसिम भाई आप बैट जीत गए तो मेरी तरफ से आपको कॉफ़ी, ठीक है? और अगर मैं जीत गया, आप बोलेंगे करेंगे, डन। मुझे लगता है 300-350, आई थिंक 400 तक जाएगा भाई। सामान दिखा देंगे, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मौजूद है ये वॉलमार्ट कनाडा, ये एक ग्रॉसरी स्टोर है। आप यहाँ से अपनी वीकली ग्रॉसरी, खाने पीने का सामान या बाकी चीज़ें घर की जो लेते हो। इस वक्त यहाँ पर मैं एक पाकिस्तानी कपल के साथ मौजूद हूँ, शर्जी पाकिस्तानी भाई, आप इनको जानते होंगे। इनकी वाइफ अभी यहाँ पर आई हैं, उनका फर्स्ट डे आज कनाडा में, तो आज ये अपनी ग्रॉसरी कर रहे हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि एक कपल का, आप एक कपल हैं, कनाडा में आते हैं, तो पर वीक की ग्रॉसरी आपकी कितने की होती है, ये देखें जी। शाजी भाई अस्सलाम वालेकुम, आप जानते हैं शाजी पाकिस्तानी भाई किसी तारफ के मोहताज नहीं। शाजी भाई वीडियो बना रहे हैं एक कपल की, पर वीक की ग्रॉसरी कितने की होती है, ठीक है जी? आपको सारी चीज़ें बताएंगे यार। इसमें दो एस्पेक्ट से कवर करेंगे, दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ ये हो जाती है कि भाई हम लोग एक ये कवर कर रहे हैं कि एक बेसिक ग्रॉसरी कितने की है, दूसरा हम लोग ये कवर करेंगे कि भाई हम लोग को बेसिक यूटेंसिल्स भी लेने, क्योंकि यार वो लगेज में 23 किलो में आप कैरी नहीं कर पाते, तो बेसिक यूटेंसिल्स भी इसमें ऐड हो जाएंगे। और ग्रॉसरी महीने की कितनी बनती है, चलो दो हफ्ते की होती है, हम थोड़ा सा बता देंगे यार हमारा क्या हिसाब किताब है विद इन द वीडियो, ठीक है? चैलेंज आपको ग्रॉसरी दिखाते हैं जी कनाडा की। आज यूजली आप जब भी ग्रॉसरी करते हो ना, तो यूजली हम लोग ब्रेड्स वगैरह ले लेते हैं, मिल्क वगैरह ले लेते हैं, आटा वगैरह ले लेते हैं, उसके अलावा जो है चिकन बीफ वगैरह ले लेते हैं, तो थोड़े बहुत मसाले वगैरह हो गए, सब्ज़ी वगैरह होगी, जो बेसिक चीज़ें आपको वीकली चाहिए होती हैं वो चीज़ें हम ले लेते हैं। तो उसके हिसाब से हम अपना बजट बनाते हैं यहाँ पर कनाडा में यूजली लोग वीकली, कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पर लोग घरों से पहले ही रेडी होकर जाते हैं कि पूरी पिछली चीज़ें चेक करते हैं घर में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं ऑलरेडी, और क्या क्या चीज़ें और लेनी है। लोग यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखते हैं, कोई चीज़ वेस्ट ना हो, फेंकनी ना पड़े, रिस्क का बहुत ज़्यादा कदर करते हैं। ये कैनेडियंस की बड़ी अच्छी क्वालिटी है, जो खाने को ज़ाया नहीं करते। तो लेट्स सपोज आपको यहाँ पर मैं ब्रेड्स की जैसे प्राइस बताऊँ, ब्रेड्स की एक ब्रेड अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये मिल रही है आपको जी $2 की एक ब्रेड है जी। देखें जी, दिस इज़ ब्रेड, ये $2 की ब्रेड है। और अगर आप एक कपल हैं, तो एक कपल के हिसाब से एक या दो ब्रेड्स आई थिंक काफ़ी होती हैं। आपको क्या लगता है कि एक वीक के हिसाब से एक कपल की कितनी ब्रेड्स चल जाती हैं, क्या लगता है आपको? यार मेरे ख्याल से अगर आप भाई नाश्ता अगर हैवी वगैरह करते हो या नॉर्मल चीज़ वगैरह भी आप खाते हो, तो आई थिंक दो मेरे ख्याल से होनी चाहिए, एटलीस्ट दो होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर आप लोग यहाँ पर ना ये जो बंज रहते हैं ना, ये भी आप ले सकते हो। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर डेली तो खाना आप कुकिंग तो कर नहीं सकते, रोटियाँ बना नहीं सकते, बने हुए बन कबाब होते हैं ना, ब्रेड में डालो, खाओ, और फिर गाड़ी चलाते हुए भी आपका हो जाता है, काफ़ी हद तक फ़ायदा हो जाता है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखें जी, ये जैसे ये देखें, ये बंज हैं जी, आप ये ले सकते हैं, दो ले लें, दो काफ़ी हैं, क्योंकि आप लोग डेली तो कनाडा में रोटी बना नहीं सकते, आपने जॉब भी करनी है, सारी चीज़ें खुद ही करनी पड़ती हैं। यहाँ पर वो सिस्टम है नहीं कि उधर से खाला कुछ बना के भेज देंगी, अम्मी या नानी या दादी कुछ बना देंगी, तो यहाँ पर खुद ही करना पड़ता है। तो ये आप दो ले सकते हैं। अब ये देखें $337 का ये एक है, तो इसको आप जो है ना दो ले लें, आई थिंक दो कपल के लिए इनफ होगा, इट्स मोर देन इनफ। तो ये हमने ले लीजिए ब्रेड्स वगैरह, ब्रेड्स में हम आगे हम चलते हैं। अच्छा यार हम लोगों ने एक तो बन उठाए, ठीक है, इसमें कुछ हैं तकरीबन छोटे बंस हैं, ये हम लोग को यार होता है ना चपड़ी कबाब हो गए या शामी कबाब टाइप की चीज़ों के, वो हमें फ्रोजन मिल जाता है, तो हम यार ऑब्वियसली टाइम वगैरह कम होता है सुबह में, और कनाडा में आपको पता है बिजी लाइफ है, तो जल्दी जल्दी कबाब वगैरह फ्राई कर लिया और ये सब कुछ कर लिया, और फ़ौरन इसमें बन में डाले, कैचअप मेयोनीज़ वगैरह डाला या चीज़ की वो एक लेयर डाली, और हमने फ़ौरन बना लिया रेडी टू गो, और गाड़ी में चलते चलते खा लिया। तो इसके तकरीबन हमें 12 पीसेस मिल गए, आई थिंक मोर देन इनफ है फॉर वन वीक। और इसको हम डालते हैं इसके अंदर, और ये हमें तकरीबन पड़ा है $2.77 का। उसके अलावा यार एक और तरीका आ जाता है, हम लोग के पास सॉसेजेस वगैरह होते हैं, इवन अब तो हमारे होम कंट्री पाकिस्तान वगैरह में भी बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं सॉसेजेस वगैरह, तो आई थिंक इसकी भी मैंने 12 पीसेज ले रहे हैं, वाइफ को मेरे बहुत पसंद है यार सॉसेजेस वगैरह, तो उसके लिए मैंने कहा चलो इसमें सॉसेज वगैरह इसको डाल के और कैचअप वगैरह का डाल के, बहुत लोग खाते हैं यहाँ पर, अंग्रेज सबसे ज़्यादा खाता है भाई सॉसेज वगैरह, और हॉट डॉग्स कहते हैं इसको, हॉट डॉग्स वगैरह कहते हैं, और ब्रेड यार ऑब्वियसली आपको पता है सुबह शाम हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो हॉट डॉग्स और कुछ और समझ थोड़ा सा यार, हॉट डॉग्स जो होते हैं भाई चिकन के पीसेज वगैरह बने हुए होते हैं,
आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो हॉट डॉग्स को कुछ और समझ होते हैं कि वो पोक होता है, वो एटलीस्ट पोक नहीं होता भाई। असीम ये ज़रा यार हम लोग कवर कर रहे हैं कि बता रहे हैं भाई कि इसमें खाली ऐसा नहीं होता कि एक ही सेक्शन बने हुए होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस बने हुए होते हैं। ऑब्वियसली यार कैनेडियंस हैं, इसमें लोकल कैनेडियंस भी जो हैं उनका भी बीफ होता है, उनका मीट होता है, सारी चीज़ें होती हैं, लोग कवर कर रहे होते हैं। बट ऑब्वियसली क्योंकि भाई ऑब्वियसली हम लोग मुस्लिम्स हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई हम अपने हलाल खाएँ, और भाई कोई गारंटी नहीं है कि 100% हलाल हो, बट वी इंश्योर कि भाई हम जो अपने पेट में डालें वो हलाल ही है, बाकी अल्लाह मालिक है यार। इसे दिखा दें शिजी भाई, यहाँ पे चिकन हम लोग थोड़ा सा दिखा देते हैं यार। अच्छा भाई अब लोग थोड़ा सा मैं एक फैमिली के लिए अपने लूँगा कि भाई हम लोग जो है वो ये ब्रेस्ट के पीसेज होते हैं, और ये मेरे ख्याल से ना $24 का एक पीस है। हल्का सा मैं आप लोगों को प्राइस चेंज भी बताता हूँ उसके अंदर कि भाई देखें ये मैंने तकरीबन $20 का लेता था, अब ये $24 का हो गया, मतलब $4 ये बढ़ चुका है। ये मैं आपको 2-3 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, पाकिस्तान जाने से पहले ये ऑलमोस्ट $20 का था और ये अब $24 का हो चुका है। अच्छा एक चीज़ आप लोग बहुत ज़्यादा ये देख रहे थे कि भाई ये देखें ये जो है जो ये अगर इधर हम लोग देख लें कहीं पे सर्टिफाइड के हलाल लिखा हुआ, आई थिंक ये इस पर नहीं लिखा हुआ, सॉरी, हाँ ये देखें इस पर हम लोग ये उठा लेते हैं, ये सॉरी ये $21 का ही है मीना का, ठीक है। अब ये मीना का देख लें हलाल है, ठीक है भाई। अब ये चीज़ आप देख सकते हैं ये हलाल यहाँ पे शो रहा है, सही है, इसमें कैनेडियन फार्म में होता है बट ऑब्वियसली इसकी कटिंग हलाल होती है तो वो उसी तरीके से होता है। दो चीज़ का डिफरेंस आ जाता है इसमें, एक हैंड स्लॉटेड का आ जाता है और एक ये आ जाता है कि यार बिस्मिल्लाह पढ़ के काटा है, और हैंड एक हैंड स्लॉटेड होता है, बिस्मिल्लाह पढ़ के काटा है, एक मशीन स्लॉटेड होता है। बहुत सारी जो यहाँ पे ब्रांड्स हैं वो मशीन स्लॉटेड कर रही होती हैं, जो नॉर्मल है वो सब मशीन स्लॉटेड ही होता है, लेकिन जो हलाल का होता है वो भाई हैंड स्लॉटेड होता है। अब कुछ कुछ ब्रांड्स होती हैं बट हमें पीछे की कहानी नहीं पता, बट वी बिलीव कि यहाँ पे भाई BC इस्लामिक एसोसिएशन है जो हमें इंश्योर करती है कि भाई आप हलाल हैं, अब उनको हलाल सर्टिफाइड किया तो हम फिर उस पर मुत्तफिक होते हैं और हलाल फिर उठा लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है हलाल जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर मैं और शेजी एक वीडियो बनाएंगे यार, हलाल फूड पे डेफिनेटली कवर करेंगे क्योंकि वॉलमार्ट हाँ आई थिंक ये वॉलमार्ट का रिसर्च पेपर भी आया है कि हम लोग हलाल प्रोडक्ट्स बेचते हैं बट हम लोग को क्लेम आते हैं कि हम हलाल नहीं बेचते, तो इंटरनेशनल ब्रांड जब हम पे रिसर्च पेपर डाल सकती है तो हम उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। पूरा रिसर्च करके मेरी ऑलरेडी हुई है, इस पर डेफिनेटली रिसर्च कर सकते हैं यार, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा यार हम देखो अब हलाल सेक्शन में आए हुए ना, तो अब इधर चिकन की हलाल सेक्शन पे पहले बात करते हैं। हलाल तीन डिफरेंट तरीके के चिकन में जो है वो वैरायटी होती है। एक तो यह था कि यार ब्रेस्ट पीसेस हैं सारे, ठीक है, दूसरा ये कि भाई ये ब्रेस्ट पीसेस आपके बने हुए और ये कुछ $21 का है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मीना का दिखा देता हूँ, इसका जो है वो $21 का है, ये तकरीबन $20 तक का था, तो $1 तक की जो है वो प्राइस डिफरेंस आ गया है, तो और ये हलाल है वो आपको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो है ना ये हो गई ड्रम स्टिक्स, ठीक है भाई, टांगें। भाई देखो इधर पाकिस्तान या कराची वराजी की तरह नहीं होता कि बैठ के ना मुर्गी वाला काट रहा है और अपने हिसाब से बोटियां बन रही हैं, यहाँ पे ऐसा कोई भी सीन नहीं है। तो यहाँ पे ना ड्रम स्टिक्स बने बनाए पैकेटों में पैक्ड मिलते हैं और ये फ्रेश होते हैं, और इनकी ना एक्सपायरी होती है, एक्सपायरी जो होती है वो उनकी 1-1.5 हफ्ते की ही होती है, 8-10 दिन की होती है, इससे ज़्यादा की नहीं होती है। आप ये देख लिया करें कि अगर ज़्यादा करीब होगी ना एक्सपायरी उसकी प्राइस और कम होगी। इसके अलावा जो है ना वो बीज के पीसेस भी आ जाते हैं चिकन के, देखो ये डिफरेंट पीसेस होते हैं तो इसकी प्राइस थोड़ी डिफरेंट होती है, तो हर चीज़ की मुर्गी के हर पार्ट की हर प्राइस डिफरेंट होती है और हर पैकेट अलग बना होता है, तो इट्स इजी टू बाय, और आप कुक करो तो आपके लिए आसान, डिफरेंट डिशेज़ के लिए डिफरेंट बोटीज रिक्वायर्ड होती हैं तो सर आप बना सकते हो। अच्छा यार बहुत सारे लोगों का कंसर्न होता है कि भाई चिकन वगैरह हम लोग को मिल जाता है हलाल वाला का सीन होता है, फिश तो सभी का होता है, इसमें हलाल हराम का तो चक्कर होता नहीं है, बट कुछ फिशेज यार कुछ फिश ऑब्वियसली पानी की होती हैं, इसमें कुछ वो काटने वगैरह का तो चक्कर होता ही नहीं है ना, तो सब बराबर ही होती हैं, बस ये कि ऊपर के जो इनके कांटे वगैरह होते हैं वो साफ़ हो जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं वो स्किन भी साफ़ करते हैं, जैसे ये देखें इसकी स्किन साफ़ है, इस पर स्किन नज़र ही नहीं आ रही इस फिश पे, ठीक है भाई। अब ये आपको पड़ेगी तकरीबन $20 की पड़ रही है और आधा किलो फिश है ये, ठीक है, 0.52 है और ये $20 की, ऑलमोस्ट $21 की आपको फिश पड़ रही है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अच्छा देखो ये स्किन के अंदर है, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं इवन हमारे बैक होम भी जो हैं वो लोग स्किन हटा के यूज़ करते हैं, कुछ लोग पे डिपेंड करता है, इसमें कुछ पीसेस पड़े हुए जो विदाउट स्किन भी हैं और विद स्किन भी लोग खाते हैं यहाँ पे। और एक और चीज़ है ना ये जैसे ये आप देखिए प्रॉपर प्रिपेयर्ड है सारी इन्होंने तैयार की, हाँ मेन यार देखो मेन चीज़ तो यही है ना कि आपको यहाँ पे सामने आपके स्लॉटेड नहीं कर रहे हैं, किसी से काट नहीं रहे, आपके बने बनाए पीसेज हैं, आपको अपने हिसाब अपने वेट के हिसाब से अपनी प्राइस के हिसाब से उठाओ और डाल दो बस। बने बनाए थोड़े से महंगे तो अगर आप होल लेते हैं ना होल भी वहाँ पर है तो आपको सस्ती पड़ जाएगी, सस्ती पड़ जाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा टाइम, ऑब्वियसली। और यार टाइम की तो शॉर्टेज है यहाँ पे, अगर टाइम होता तो क्या बात थी, यहाँ पे बंदे के पास टाइम होता है तो वो 2 घंटे की और शिफ्ट लगा लेता है।
अच्छा भाई, अब हम लोग बात करते हैं सॉसेजेस की। जो हॉट डॉग्स सबको उधर दिमाग में चल रहा होता है भाई, जो आप लोगों ने हमारी वायरल वीडियो देखी थी माशाल्लाह भाई, आसिम और मेरे चैनल पे वो मिलियन व्यूज टच करें उस वीडियो ने। हम लोगों ने क्या किया था, जो वहाँ पे जो लोअर मिडिल क्लास जो लोग थे, अब ऑब्वियसली जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे एक वक्त का खाना, भी हम लोग उनको खाना एज अ कैनेडियन जो है वो लोग खिला रहे थे। और उनका हम लोग का मकसद ये था भाई कि हम लोग उस दिन, हमारा ईद का दिन था, तो एज अ जेस्चर कि हम मुस्लिम हैं, हमारी ईद है, हमारी खुशी का दिन है, और हम अपने खुद के पैसे लेके हम उन लोगों को खाना खिला रहे थे। और वो जो खाना खिला रहे थे, वो हॉट डॉग जो डाल रहा था ना भाई, वो ये वाला था, ये सॉसेजेस थे जो हलाल एक ब्रेड के ऊपर डाल रहा था, और वो ये वाली ब्रेड थी भाई। इनको ब्रेड भी दिखा देते भाई, ये वो ये वाली ब्रेड थी, और वो इस ब्रेड में डाल के वो $10 का बेच रहा था, ठीक है भाई। और ये भाई, ये फास्ट फूड कहलाता है, इज़ वन ऑफ द ईजीस्ट फास्ट फूड। इसके अंदर ब्रेड खोला, आपने डाला कैचअप की टॉपिंग करी, और ईजीली आप आराम से जाके जो है वो सेल आउट कर सकते हो। और आप अगर डाउनटाउन वैंकूवर में भाई, उन चीज़ जहाँ पे वो लोकेटेड था, उस चीज़ की बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा लोग आते जाते, भूख लग रही होती, खाते जैसे हम लोग सैंडविच खाते हैं, इस तरह ये लोग हॉट डॉग्स खाते हैं। आपकी ज़बान में, हमारी ज़बान में सॉसेजेस होते हैं, जो कि मैं खुद एक ले रहा हूँ, एंड इट्स ज़बिया हलाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रख दिया। यहाँ पे कुछ लोग ना दूसरा वाला चिकन में ढालते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ खा लेते, समझते हैं भाई। देखो भाई, देखो हम अपने ठहरना, हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई हम सारी चीज़ जो सर्टिफाइड, अगेन फिर भाई मैं बाली बता रहा हूँ, जब हम लोग ईद एक मुल्क में दो दफ़ा हो सकती है ना, तो यहाँ पे भी लोग दो तरीके के हो सकते हैं भाई। कि यहाँ पे जो हम लोग की मुस्लिम एसोसिएशन है कैनेडा की, उन लोगों ने कुछ प्रोडक्ट्स को, कुछ ब्रांड्स को जो ऑलरेडी डील करती हैं चिकन और मीट में, अगर वो हलाल सर्टिफाइड हैं तो वी कैन यूज़ दैट भाई। हम अब हमें आगे की कहानी नहीं पता, बट जितनी हमें पता है इस हलाल और वो जेन्युइन है, हम यूज़ कर सकते हैं। और ये अब डिबेटेबल नहीं है, इस पर आप जितनी डिबेट कर लो। और अगर भाई अगर हम लोग इतनी छोटी छोटी चीज़ों को देखने लग गए ना, तो मेन चीज़ है शायद वो भी हम नहीं करते यार। तहरीन नहीं, चीज़ हम आगे से ले रहे हैं जी। ये अच्छा, एक ये भी होता है, ये चिकन के पीसेज होते हैं, एक ये ले लो, इसको ब्रेड में आप एक डबल पे रख देना, नीचे रख देना, बीच में आप कुछ और लाइक केचप वेचप भी टॉपिंग कर लेना। अच्छा यार, अब हम थोड़ा सा चलते हैं अपना योगर्ट और दही वाले और दूध वाले सेक्शन में, और उधर भी तुम लोगों को हलाल दही भी दिखाते हैं। चलो अब चल के आसिम भाई हलाल दही कवर करें। हाँ जी, अभी हलाल दही तो होता ही हलाल है, दूध भी आपको दिखा देंगे, अंडे वगैरह उसमें हो गए, मतलब जो आपका डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए। लेकिन भाई अगर आप कल, आप खुद भी आते हो ना, आप खुद भी कल आओगे, आप इसी प्रोसेस के थ्रू जाओगे जिस तरह आज हम और आसिम भाई जा रहे हैं, तो भाई ऐसा ही होता है, लाइफ ऐसी ही चलती है, आपको एडजस्ट करना पड़ता है। और आप कभी अपना मूल छोड़ के आता है, आपको एडजस्ट करना पड़ता है। अगर आप ये सोचोगे यार मैं किसी चीज़ में भी एडजस्ट नहीं करूँगा, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ अच्छा यार, ये देखें, ये सारे डेयरी सेक्शन है, ठीक है, इधर दूध दही मक्खन जो भी, यार जो भी सारा डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं वो सारी कवर्ड है यहाँ पे भाई। अब आप ये देख सकते हो कि इधर कुछ पैनकेक्स वगैरह भी होते हैं, वो भी सारे पड़े हुए, तो ये सारे जैसे आगे आइसक्रीम सेक्शन वगैरह भी हैं, तो वो भी हम कवर करेंगे। और ये मैपल सिरप्स वगैरह होते हैं, ये डिफरेंट इनकी लोगों की चीज़ें होती हैं, वो होती हैं। और यार ये वफ़ल्स वगैरह जो होते हैं ना, वो आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हो, ज़्यादातर यूजली कैनेडियंस होते हैं, दे लाइक ब्लूबेरीज एंड स्ट्रॉबेरीज, और वो लोग सुबह वेफल्स के अंदर ब्लूबेरीज और स्ट्रॉबेरीज डालते हैं। ब्लूबेरी यहाँ पर पूरे साल होती है, उसको यूज़ करते हैं ये लोग। अच्छा मैं स्टूडेंट टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, भी मैं कराची में गया तो वेफल्स की जो प्राइस है ना, तकरीबन वो ₹1,000 जो वो लोग करते हैं, और वो आइसक्रीम सॉस, हाँ नहीं नहीं बॉक्स का नहीं, वेफल बनाते हैं ना, जो वेफल जो भी उनके इंग्रेडिएंट्स होते हैं दूध वगैरह के साथ वो लोग बनाते हैं, मैदा होता है एक्चुअली, उसके साथ वो रेडी करते हैं फ्रेश, और उसके ऊपर आइसक्रीम की टॉपिंग लगाते हैं। तकरीबन 800 से 900 रुपए की है वेफल्स। अच्छा 500 से स्टार्ट है कहीं पे, और कोई थोड़ी अच्छी जगह जाओ तो 800-900 तक की भी है। अच्छा अच्छा भाई आ गए हम लोग, अब इधर आ गए यार, ये भी मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत है ना इसमें, जिसमें दो चीज़ें हम कवर करते हैं यार। इसमें देखें भाई, दो तरीके की योगर्ट है, एक है प्लेन योगर्ट है जिसमें 2% फैट है, ठीक है, और एक योगर्ट है जिसमें 0% फैट है, ठीक है भाई। अब हमारे मुल्क में क्या होता है आओ बताऊँ, हमारे मुल्क में होता है गेम, हमारे मुल्क में कहते हैं कि अगर लो फैट है तो उसकी प्राइस होनी चाहिए $4, और अगर लो फैट है तो उसकी अगर लो फैट है तो उसकी प्राइस होनी चाहिए $4-5, और अगर फैट है उसके अंदर तो उसकी होनी चाहिए $2.84। भाई इधर 2% फैट है और 0% फैट है, दोनों की प्राइस देखो 2.84, तो 2.84 की एक ये दही है। अच्छा इसकी ना एक्सपायरी बहुत करीब की होती है, जैसे भाई कोई भी आप चीज़ बाय कर रहे हो ना कनाडा में, अब ये देख लीजिएगा आज हो रही है 15-16 दिसंबर, ये 5 से 6 दिन में एक्सपायर हो जाएगी, तो 21 दिसंबर इसकी एक्सपायरी है। जैसे हम दही में दही देते ना, अम्मी बोलती है जाओ बेटा दही लेकर आओ, तो वो जब हम दही लेकर आते हैं ना उस वक्त इस्तेमाल करनी होती है, ये 5 दिन में इस्तेमाल करनी है दही, ठीक है भाई। हाँ जी। और भाई ये एक जो दही है ना वो आई थिंक
तीन चार डिशों में यूज़ हो सकती है और बाकी हम नाश्ते वास्ते में भी यूज़ कर सकते हैं। और जो ज़्यादातर यहाँ पर जैसे मिल्क है, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं बॉक्सेस में होती है ना, वो सारी उनकी एक्सपायरी डेट बहुत जल्दी रखते हैं। बिल्कुल। और दूसरा चीज़ यार ये भी होती है कि इन लोगों के अपनी चीज़ें भी दली हुई होती हैं, तो इस वजह से भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली उनको प्रिजर्वेटिव्स भी तो होते हैं ना या थोड़े बहुत। और ये होता है, अगर आप बोलो ना आपके हमारे मुल्कों में नहीं होता, हमारे मुल्कों में भी होता है भाई, सब चीज़ डब्बों में आ रही हैं तो प्रिजर्वेटिव्स तो दले होते हैं ताकि उसकी एक्सपायरी थोड़ी बढ़ा सकें, ताकि लोग उसको यूज़ कर सकें। और यहाँ पर एक और चीज़ बहुत अच्छी है कि यहाँ पर आपको कोई भी एक्सपायर्ड चीज़ नज़र नहीं आएगी, नहीं तो फिर कोई भी एक्सपायर्ड चीज़ अगर आपको कोई चीज़ एक्सपायर्ड नज़र आएगी ना, और अगर आप वो आइटम उनके पास काउंटर पर लेके जाओगे तो आपको दूसरा आइटम जिसकी एक्सपायरी ज़्यादा है वो फ्री में देगा। और गलती से अगर आप घर ले गए खा लिया तो फिर पूरा जो है ना आप पूरे वॉलमार्ट को शुरू कर सकते हो। आप यहाँ पर आप पूरे वॉलमार्ट को शुरू कर सकते हो और कुछ मिलियन डॉलर भी कमा जी कमा सकते हो। बिल्कुल, लोग कोशिश करें, थोड़ी भी हम भी कोशिश करते हैं यार, हम भी मिलियन डॉलर कमाना चाहते हैं यार। अच्छा यार, बहुत सारे लोग हैं ना हमारे यहाँ, जैसे हमारे यहाँ होता है ना यार बच्चे होते हैं, बच्चे दही पसंद है बट फ्लेवर वलेवर के साथ, तो अक्सर मैंने यार यहाँ पे ये देखा है कि हमारे जो कम्युनिटी के, चाहे चलो मुस्लिम्स हैं जो भी, वो फ्लेवर दही लेके चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं भी बता रहा हूँ, मैंने भी गलती की थी वाली भाई, ये फ्लेवर दही वही लेके चलेगा हम लोग। अब फ्लेवर दही, अब मैंने आपको फिर वही बताया, एक है नॉर्मल दही हर जगह पड़ी हुई है और एक हमारी हलाल दही पड़ी हुई है। भाई ये जो फ्लेवर दही बनी हुई है ना, ये इनकी नॉर्मल दही के साथ बनी हुई है, ठीक है, हलाल दही के साथ ये नहीं बनी हुई। तो इट मीन्स अगर आप ये फ्लेवर्ड भी है लेकिन आप इनकी नॉर्मल दहियों के साथ लेके गए हो तो ये हलाल नहीं है। तो भाई अपने बच्चों को ये चीज़ नहीं खिलाएं जो इधर कम्युनिटी में, और जो नए बच्चे आ रहे हैं वो समझें भाई, ये मैं पहले दिन उठा के लेके गया था और मैंने बड़े मज़े से एक दो दफ़ा खा भी ली थी, उसके बाद मुझे पता चला नहीं है, तो जो बचा कुचा डब्बा था वो डस्टबिन में डालना पड़ा मजबूरन। आई थिंक अच्छा है, पता है पर्सनल बेसिक जो ना मिस्टेक्स हो जाती हैं आपसे, आपको लगता है कि वो दही पड़ा तो वो हलाल होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली यार, हलाल होगा चिकन पर, तो आपको जब तक नॉलेज नहीं होती भाई, ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोग देखें, इस वीडियो को शेयर भी करें यार ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो आप लोगों के, अच्छा अगर आप लोगों के भाई कोई फॉरेन नेशनल्स हैं, कोई यूएस में कनाडा लोग हैं, बाहर हैं यूके में ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, उनको वीडियोज़ में टैग करें भाई, ये वॉलमार्ट पूरी दुनिया में सेम है, ठीक है, तो कोशिश करें उनको शेयर करें वीडियोज़ को, ताकि पता चले, सबको अवेयरनेस क्रिएट हो। हम आपको जितनी नॉलेज है उतनी प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर हम कहीं गलती कर रहे हैं कमेंट्स डाउन बिलो कि भाई हमारी कहीं गलती, और अगर हम गलती कर रहे हैं और आपकी कोई नेशनल जिनको सही पता है उनको भी टैग करें। लेकिन ये हमारा वादा भी है कि हम हलाल के ऊपर डिटेल से एक वीडियो बनाएंगे। डन डन इंशाल्लाह। अब इस पर रिसर्च यार अभी जारी है। फॉर एग्जांपल अभी मैं तो वेकेशंस पे था, आसिम भी वेकेशंस पे पाकिस्तान गए थे, और हम लोगों को प्राइस में भी थोड़ा डिफरेंस नजर है, जहां प्राइस में डिफरेंस आएगा क्योंकि इन्फ्लेशन यहां पे भी है, पाकिस्तान में नहीं है खाली या इंडिया में नहीं है, जहाँ भी इन्फ्लेशन हुआ है तो प्राइस में जो फ्लक्चुएशन आएगी वो भी आपको बताएंगे। क्योंकि इतना आसान नहीं है इसमें पोर्क, उसकी एनिमल की लार्ड, उसकी जो जो उसकी खाल होती है यार, कहीं पे पोर्क का फैट यूज़ होता है, दहियों में भी कहीं यूज़ होता है, बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ यूज़ होती है, तो हमें ये चीज़ देखना पड़ता है। अच्छा एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये मैं जब आया था भाई तो मॉन्ट्रियल में एक बंदे थे, उनसे मुलाकात हुई थी, उन्होंने यही बोला था, शजी भाई एक चीज़ हमेशा देखना, कोई भी ब्रांड हो उसके इंग्रेडिएंट्स में अगर हलाल हलाल ब्रांड के अंदर भी या दही के अंदर किसी भी चीज़ के अंदर अगर जिलेटिन है, तो फिर जिलेटिन कह रहे थे या ग्लूटेन है, तो आपको वो ब्रांड रख देनी है वापस, आपको नहीं लेनी। तो दैट्स द मेन पॉइंट, जिलेटिन या ग्लूटेन। आ जाओ भाई गरम अंडे यार, ये नीचे वाले नहीं है ना यार। हाँ भाई कनाडा में ठंड लगी तो अंडे खाने यार, मुझे वो बकरा मंडी याद आ गई, गरम अंडे भाई कहाँ गए अंडे, अभी कहाँ गए, आउट ऑफ स्टॉक चले गए। मैं भी ये यूज़ करता हूँ, ठीक होते हैं। अभी नहीं, मैं ये यूज़ करता हूँ, ये ख़त्म हो गए, ये देख ये पड़े हैं, ये पड़े हुए 4.88 के यार, लेकिन अंडे आउट ऑफ स्टॉक हो गए यार। चलो हम अब यही उठाते हैं, आई थिंक इसकी प्राइस जो यार यूजली हम लोग दूसरा लेते हैं वो थोड़ा सस्ता होता है, वाइट एग होता है, हम लोग के पास कोई चॉइस नहीं है, बट उसी ब्रांड का हम लोग ब्राउन एग्स ले रहे हैं, वो तकरीबन कुछ होता है $3 $3.50 का होता है, 3.75 का आई थिंक बिलीव होता है, ये 4.88 का है, $5 का तकरीबन बन रहा है, बट $5 नहीं $4.88 12 अंडे अगर। अच्छा हाँ भाई प्राइस ये वाली एरिया रे, ठीक है भाई। अच्छा अगर किसी को कन्वर्ट करना है तो बता दो भाई कितने हज़ारों के अंडे खा रहे हैं हम लोग यार, $5 को 167 का टल है डॉलर्स। अच्छा यार अब ये थोड़ा भी देख लीजिएगा कि भाई बच्चों वगैरह को अगर आइसक्रीम वगैरह भी चाहिए तो इसमें भी काफ़ी वैरायटीज़ वगैरह होती हैं यार, तकरीबन ना $6 से स्टार्टिंग होती है तकरीबन। फॉर एग्जांपल अब ये एक है, इसके अंदर जैसे हमारे पास यार वॉल्स की होती है ना चौक बार होती है इस तरह की, ये है,
तो ये तकरीबन इसके 24 पीसेज हैं, तो अंदर 24 पीसेज ये वाले 24 पीसेज हैं, ये तकरीबन है $7.47 की है, $7.47। इसी तरह यार यहाँ पे ना काफ़ी सीजनल फ्रूट्स होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो पैक्ड फ्रूट्स होते हैं भाई, अगर सीज़न ख़त्म हो गया यहाँ पे फ्रीज फ्रूट बहुत चलते हैं और लोगों को बेरीज बहुत ज़्यादा पसंद है, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, चेरीज़ वगैरह सारी पसंद है। तो यहाँ पे देखो मैं यूजली लेता हूँ, फिलहाल तो मैं नहीं ले रहा, सर ठंडक हो रही है, ये वाला बैग 4.97 का, ग्रेट वैल्यू का, ब्लूबेरीज का आता है फ्रीज, ये पड़ रहा है तकरीबन $5 का। इसी तरह ब्लूबेरीज के साथ साथ यार आप स्ट्रॉबेरी भी ले सकते हो और एक मिक्स बेरीज भी आते हैं, ये रहा, ये भी 4.97 का ही है। ये इसमें जो है वो तीन चार तरीके की बेरीज होती हैं, इसमें हो गई स्ट्रॉबेरी, हो गई चेरी, हो गई और ब्लूबेरी हो गई, और आई थिंक एक और कोई होती है उसका मुझे नाम नहीं पता कौन सी बेरी है। तो चार फ्लेवर्स होते हैं इसमें और वो मिक्स कहलाती है। आ जाओ इसमें यार, ये जो बेरीज वगैरह होती है ना, ये सुबह सुबह लोग हल्का सा पानी मिल्क शेक में बना के, दूध पानी और ये बेरीज स्मूथी बन जाती है। यार जूसेस वगैरह अब हमारे यहाँ जो है ना वो फ्रेश जूसेस वगैरह वो सामने पठान या कोई हमारे सिंधी विंदी भाई लोग होते हैं ना वो बना नहीं रहे होते, यहाँ पे भाई डब्बों के ही मिलते हैं। तो हर किसी की डिफरेंट प्राइस है, फॉर एग्जांपल अब ये जो है वो है तकरीबन 1.4 लीटर्स का, और ये है लेमनेट जूस है और ये तकरीबन है $4.68 का, $4.68। इसी तरह यार डिफरेंट प्राइस होती है, मेरा वो मैं ये मैंगो लेता हूं, कैसा है ये, अच्छा है, अच्छा है ये, वैसे अच्छा मुझे अच्छा लगता है। ये कितने का, 2.97 का, ये 2.97 का, ओ नाइस, आई टिकट। चलो भाई आज हमारे आसिम भाई की ऑन रिक्वेस्ट मैं एक मैंगो जूस ट्राई करता हूँ, इंशाल्लाह सुबह नाश्ते में ट्राई मारेंगे ये ब्लैक। अच्छा यार मुझे टू बी ऑनेस्ट ना ब्लैकबेरी बहुत पसंद है, ये $3.47 का जूस है ब्लैकबेरी का, लेकिन ये होता बहुत टाइट है ब्लैकबेरी ब्लूबेरी का, ट्रॉपिकाना का ही है लेकिन होता बहुत टाइट चीज़ है ये। यार ये है वाटरमेलन, यहाँ तक मुझे पता है ये इसको बड़ा लाइक करते हैं ये जो जूस, आई डोंट नो मुझे नहीं पता। फाइव अलाइव यार, ये डिफरेंट सिट्रस फ्रूट्स वगैरह, पीच वगैरह, और ये बहुत मिक्स है ये। यार चीज़ रह गई, वाइफ ने बोला चीज़ नहीं ली, तुम वीडियो बनाने में लगे हुए हो यार वॉलमार्ट आके। भाई यार हलाल चीज़ लेंगे चल के, देखते हैं यार इधर चीज़ का तो नहीं है। खैर अब हम चेक करते हैं कि हम कौन सी चीज़ ले सकते हैं। वैसे यूजली जो है ना मैं आई डोंट थिंक सो, बट यार ये यूजली मैं ना ये एक लेता हूँ। अब इसमें खाली मैं ये देख लेता हूँ कि जेलेटिन है कि नहीं है इंग्रेडिएंट्स में जाके, ठीक है। अब हम जाते हैं भाई, देख लें यार इधर इंग्रेडिएंट्स में ना कहीं भी ग्लूटेन या जेलेटिन नहीं है, तो मैं थोड़ा बहुत इधर से इस तरह भी गेम चलाता हूँ कि ग्लूटेन या जेलेटिन जो है वो इसमें नहीं है। मैं एक दफ़ा फिर से चेक कर लेता हूँ, नहीं है, 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 नहीं है भाई, अदर इधर जेलेटिन और नहीं है। और ये तकरीबन चीज़ मुझे पड़ रही है, दिखा दें यार आसिम भाई, $3.78 की यार, $3.78 की पड़ी है, मैंने ये वाली उठाई है, ठीक है, ठीक है। तो ये आप बर्गर्स वगैरह में, जैसे मैंने आपको बताया सॉसेजेस में हो गए, सॉसेज में तो नहीं डालते, अभी हम लोग कबाब वगैरह भी देखेंगे, फ्रोज़न कबाब वगैरह भी यहाँ पे मिलते हैं, वही पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं या मुस्लिम ब्रांड्स हैं उनके, उधर हम लोग वो भी कवर करेंगे, उसके साथ बन में मिक्स करके जो बन दिखाया था ना उसमें मिक्स करके खाएंगे। आपको हलाल मिल गई, कंग्रेचुलेशंस, यू आर मुस्लिम नाउ। यहाँ पर बहुत सारे लोग इतना ख्याल नहीं, हम मुसलमान हैं, हम बड़ा ख्याल करते हैं चीज़ों के यार, हमारा एक है नहीं यार, लेकिन ये है कि भाई आप मैक्सिमम कोशिश करोगे जितना हो सकता है उतना, ठीक है, बाकी जितना, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल बता दिया यहाँ पे हलाल कहीं नहीं लिखा हुआ, तो मैंने यहाँ पे पीछे चला गया। अब अगर आप भी कनाडा में नए आए, बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हम लोग को वीडियो को मैं कहूँगा शेयर करें भाई, और ये देखें कि इधर अगर नहीं लिखा हुआ ग्लूटेन या जेलेटिन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तो इट्स गुड, इट्स ओके टू गो। अब बहुत सारे लोग हमें टैग करके ये भी बोलेंगे कि नहीं यार चीज़ का मसले होते हैं, मसले मसाइल होते हैं, तो भाई आप एक काम करो हमें मैसेज करके सोल्यूशन भी बताओ। आइसक्रीम लेनी है भाई, भाई सर्दी और गला ख़राब है, आ जाओ दूध लेते हैं। आसिम भाई आप सही कह रहे थे यार, दूध महंगा हो गया है, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। माय गॉड। अच्छा भाई तो अगर मैं देखता हूँ कि इसका जो ये वाला हम लोगों ने येलो लिया है, इसकी प्राइस है 5.89। अच्छा भाई फैट जो होता है, मिल्क फैट होता है, वो थोड़ा बॉडी के लिए अच्छा होता है, तो इसलिए 5.89 का, इसमें 3.25% फैट है दूध के अंदर, जग के अंदर। अब अगर आप इस वाले में आओ, आसिम भाई थोड़ा दिखा सकते हैं, पिंक कैप वाला,
इसके अंदर जो है अराउंड जो है वो 2.75 या 3% तक फैट है। इसकी 2% है, 2% फैट है, ओके 2% फैट है इसके अंदर। इस वजह से इसकी प्राइस है 5.49, मतलब 50 सेंट 0.50 डॉलर्स का फ़र्क है और इसी वजह से प्राइस में डिफरेंस है। बट भाई आसिम भाई प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है यार, 2 महीनों में इतना डिफरेंस। तो भाई ये तकरीबन इसकी प्राइस अगर मैं चेंज देखूँ तो मैं शायद $5 पे लेके गया था, $5.10 पे लेके गया था, आई थिंक अब ये 5.89 का हो गया तकरीबन यार, ऑलमोस्ट 80 सेंट, मतलब $1 का फ़र्क पड़ चुका है। जब मैं नया आया था ना यहाँ पर 2015 में, तब ये मिल्क 3.5 डॉलर का मिल रहा था। तो आपकी वेज रेट में कोई फ़र्क पड़ा वैसे कनाडा में? इतना नहीं पड़ा टू बी ऑनेस्ट। चलो मतलब इन्फ्लेशन कनाडा में भी है। जी। अच्छा यार बहुत सारे लोग ना वॉलमार्ट आते हैं बट हम लोग ना डायरेक्ट आइज़ में घुस जाते हैं। अगर आप मिडिल में आओ ना तो मिडिल में ये होता है कि यार इनकी डील्स वगैरह चल रही होती हैं, जैसे ही देखो यार बल्क में डील्स चल रही होती हैं तो इसकी प्राइसेस लो हैं, तो कंपैरेटिवली अगर प्राइसेस वगैरह लो चल रही होती हैं, आप यहाँ पे आगे तक देखते हैं, हम कवर कर सकते हैं तो कवर है, आगे तक प्राइसेस वगैरह देखें बहुत ज़्यादा कम है। फॉर एग्जांपल वो देखें 4 जो हैं वो $10 के मिल रहे हैं, ठीक है आ जाओ चेक कर लेते हैं यार क्या मिल रहा है। अच्छा यार ये ओके यार। अच्छा ये ना मिक्स वेजिटेबल्स हैं सॉस वगैरह के साथ, बहुत सारे लोग जो है ना वो टिन फूड्स खाते हैं, टिन फूड है एक्चुअली, तो आपको 4 पीस मिल जाएंगे $10 के। तो यार इस तरह की ऑफर्स ना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी चल रही होती हैं, जो होम कुक फूड नहीं मिल पाता टिन फूड लेके गरम करके माइक्रोवेव में रोटी के साथ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ओके आसिम भाई अब हम चलते हैं थोड़ा सा यार जिसके लिए मैं बता रहा था, ब्रेड हो गई ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ज़्यादातर सालन रोटी का टाइम नहीं मिलता तो हम लोग ये जो है फ्रोज़न फूड उठाना पड़ता है, तो अब हम चलते हैं थोड़ा फ्रोज़न फूड में भी भाई हलाल हराम का चक्कर आते हैं, तो उस डब्बे भी कवर करते हैं कि भाई अब हलाल और हराम डब्बा फ्रोज़न फूड का कबाबों का कैसे उठाते हैं। अच्छा भाई अब ये देख लें कि बहुत सारी वैरायटीज़ हैं इसमें, देखें श्नाइडर है, जेन्स है ठीक है, और क्रिस्पी विंग्स है, ग्रेट वैल्यू के भी हैं, बट अगेन वही अब हम आगे जाते हैं थोड़ा सा और, तो हमें जो है वो मिल जाता है पाकिस्तानी ब्रांड्स। अच्छा अब इसमें 2-3 ब्रांड्स बता देता हूँ जो हम लोग ज़्यादातर उठाते हैं भाई, वो हम उठाते हैं अलसफ़ा का ज़्यादातर, जो मैं उठाता हूँ यार बीफ़ चपली कबाब उठाता हूँ वो होता हूँ अलसफ़ा का, और अगर मैं और दूसरी ब्रांड की बात करूँ जो बहुत अच्छी है वो है मिना जो है, उसकी भी ब्रांड बहुत अच्छी है। ये चिकन फ्ले वगैरह मिल जाते हैं इनके, मोज़रेला स्टफ़ चिकन, तो ये काफ़ी ज़्यादा यार अच्छे होते हैं, और दिस इज़ द ओनली वे टू आइडेंटिफाई हलाल और हराम अगर फ्रोज़न फूड्स की बात कर रहे हैं तो हम क्या उठा रहे हैं बीफ चपली कबाब। ओके तो हमने भाई उठा लिया है एक बीफ चपली कबाब, इसकी प्राइस भी बता देता हूँ थोड़ा सा भाई $11 10.97। इसकी वजह ये आपको आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर लेती है, आपको कुकिंग नहीं करनी पड़ती यार, आपको जाके फ्राई करना। अब ना ये नहीं होता कि यार बीफ लाओ उसका बीफ का कबाब बनाओ और फिर कबाब बना के हमारी अम्माएँ घर पे रखती थी फ्रीज़र में और वो सुबह सुबह बेटा कबाब फ्राई कर लो, अब ये है कि भाई बना बनाया कबाब है फ्राई पैन में जल्दी से फ्राई हो जाएगा, नहीं तो यार ओवन में हो जाएगा गर्म और उसको हम लोग फॉरन बर्गर में डालेंगे, केचप डालेंगे ऊपर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्जैक्टली। और कभी कभी यहाँ पर लोग आपने शरीफ भाई ट्रेन में जाते होंगे तो यार वो खाते हुए जाते हैं क्योंकि यार टाइम की बहुत शॉर्टेज है तो इस वजह से। अच्छा यार अब देखो वो तो हम लोगों ने बीफ चपली कबाब उठाया था, अब हम इसका ना ये ज़बिया की बहुत अच्छी ब्रांड है मिना अलसफ़ा और ज़बिया, ठीक है ये 3 ब्रांड्स अभी अवेलेबल हैं फॉर एग्जाम्पल सारे वॉलमार्ट में कैनेडा में। अच्छा अब ये चिकन है, चिकन फिले होते हैं ना, चिकन फिले हैं बट एक क्रंची चिकन फिले हैं जिसको हम अक्सर ज़बानों में जिंगर टाइप की भी फिले कहते हैं, इसमें वो ब्रेड क्रंच क्या डला होता है, ब्रेड क्रम्स डले होते हैं भाई हमें नहीं पता क्योंकि हम बस उठा के फ्राई करके खा लेते थे। अच्छा यार एक और चीज़ आपको ऐड करता हूँ, चलो यहाँ पे ना फ्रोज़न समोसे शमोसे भी मिल जाते हैं, तो आप ये देखो कटी हुई सब्जियाँ वगैरह भी मिल जाती हैं, फ्रोज़न समोसे भी थे आसिम भाई सब्र करिएगा यार, ये पिज़्ज़ा बर्स्ट हो गए, चीज़ बीफ बर्गर्स हो गए ठीक है, और अच्छा इधर हम लोगों ना थोड़ी सब्जियाँ वगैरह भी मिल जाती हैं भाई, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यार कि लोबिया हो गया और ये ब्रोकॉली हो गई ग्रीन ब्रोकॉली, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खाते हैं तो यार ये कटी हुई मिल रही है फ्रोज़न। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आओ भाई ऐसे 3 पीस $10 के मिल रहे हैं, मतलब 1, 2, 3 $10 के, तो समझें आपको ये ग्रीन वेजीज जो हैं वो कटी कटाई मिल जाती हैं, तो इट बिकम्स रियली इजी टू मैनेज। अभी वैसे भी आपको इसके बाद सब्जी मंडी लेके जाएंगे उसके अंदर ही सब्जी मंडी वॉलमार्ट के अंदर ही हम उधर जाएंगे, हम अपने लिए भी सामान वामान खरीदना तो आपको भी कवर करके दिखाएंगे कि आलू और प्याज क्या भाव चल रही है।
अच्छा यार, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ना वो भाई फ्रोजन, मैंने आपको बताया ना भाई, पिज्ज़ाज बहुत खाते हैं यहाँ पे। आपको तकरीबन जितने की एक मील नहीं बनती उससे आधी प्राइस में आपको पिज्ज़ा मिल जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप आ जाओ देख लेते हैं, एक ये डब्बा है फॉर एग्ज़ाम्पल, ये वाला मैं डब्बा उठाता हूँ। तो यार ये रहा ना तकरीबन ये पूरा पिज्ज़ा जो है, इसमें आप देखो इसकी टॉपिंग्स वगैरह अगर आप देख लें भाई, फोर मीट वाइंडर्स है, पेपरोनी है, इटालियन सॉस है, सीजन बीफ है, बेकन वगैरह ये सारी। अब भाई हलाल हराम की बात नहीं हो रही यहाँ पे, पिज्ज़ा के डब्बे की बात हो रही है कि हम लोग यहाँ होता है ना कि यार लाइव पिज्ज़ा ही बन रहे होते हैं या आप गर्म गर्म पिज्ज़ाज होते हैं, यहाँ पे फ्रोजन पिज्ज़ाज होते हैं। एक तो होते हैं ना पिज्ज़ा ब्राइड्स होती हैं, वो नहीं, एक पूरा प्रॉपर पिज्ज़ा है, इसको ओवन में रख के लोग गर्म कर लेते हैं और खा लेते हैं, ये प्रिपेयर्ड पिज्ज़ा होता है। तो भाई ये $5 का मिल रहा है और ये बंदे ना ये पूरा पूरा दिन, एक बंदे की पूरे दिन की मील है ये तकरीबन, एक बंदा पूरे दिन में खा सकता है, थोड़ा लंच में खा ले, थोड़ा डिनर में खा ले, हाफ एंड हाफ। और भाई मैं आपको अभी से बताता चलूँ, आधे से ज़्यादा कैनेडियंस, 80% कैनेडियंस यही करते हैं। आप उनके हाथ में बस स्टॉप पे भी जाओगे ना तो पिज्ज़ा का डब्बा होगा और उनके साथ उनकी स्लाइस खाते हुए जा रहे होंगे। आई वुड स्ट्रॉन्गली रिकमेंड, अगर कोई पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं या लोकल मुस्लिम ब्रांड्स हैं, टू मस्ट ट्राई कि भाई अब लोग, हम लोग भी खाते हैं ऑब्वियसली, बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं होता पिज्ज़ाज बनाने का, तो अगर प्रिपेयर्ड पिज्ज़ा हैं तो उसकी एक पूरी लाइक जिस तरह लोगों ने फॉरेन ब्रांड्स ने बनाया या कैनेडियन ब्रांड्स ने बनाया, हमारी ब्रांड्स भी बनाए, जैसे सफ़ा हो गई, मीना हो गई, सफिया हो गई, ये भी ब्रांड्स बनाए ताकि लोग जो मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पर रहती है कैनेडा के अंदर, वो भी जाके ये डायरेक्ट पिज्ज़ा उठाए ओवन में गर्म करें और खा ले। अच्छा यार, अब हम थोड़ा सा एक और कवर करते हैं, ये जैसे यार छोटे, ये देखो सीख कबाब हो गए। अच्छा ये मैं आपको बता दूँ, ये पहली इंडियन ब्रांड है बिकाजी के। भाई हमारे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स आते हैं जो कि वेजीज होते हैं, ठीक है, वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है, अब उनको ना हर चीज़ वेजी में चाहिए, तो यहाँ पे बीफ के या चिकन के समोसे नहीं मिलते, वेजी के समोसे ज़्यादा मिलते हैं या पेटीज़ मिलते हैं। जिस तरह आपको फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं बता दूँ, ये अब ये देखो शाना ब्रांड है, अभी बताई दूसरी ब्रांड, अब ये देखो शाना ब्रांड है। अब ये शाना ब्रांड के अंदर जो हैं वो तकरीबन 30 समोसे हैं और ये 30 समोसे जो हैं वो बने हैं, अच्छा अभी आप चेक कर सकते हैं, देखें यह है $6.27 का। अच्छा ठीक है, अब इसमें मैं बताता हूँ, 30 समोसे 30 में 10-10 के तीन फ्लेवर्स हैं, फॉर एग्जांपल पनीर टिक्का, चिली पनीर और पंजाबी मिनी समोसा। तो आप ये देख रहे हैं इधर कहीं भी जो है वो चिकन का या बीफ का जिक्र नहीं है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा यार मूंग दाल, मसूर कचौरी और ये सारी ब्रांड जो इंडियन ब्रांड्स हैं, टॉप ब्रांड्स हैं, वो सारी यहाँ पे हैं, बहुत सारे लोग खाते हैं। अब आप यार ये भी एक बहुत, इन लोगों बहुत सारे, मैं जो इंडियंस के साथ शॉपिंग वगैरह वॉलमार्ट पाते तो भाई ये लोग बहुत देते थे यार, नानक की आलू टिक्की, और ये बहुत मज़े की होती है, मैंने खुद खाई है, वेजी होती है ये, और ये लोग बहुत खाद खा लेते हैं, और वेजी कबाब हो गए, और ये तकरीबन उतने ही हैं, $8-9 के हैं यार। आज अच्छा हम लोग बहुत सारे लोग यार हमारे यहाँ होते हैं ना, हमारे मुल्कों में पराठे वराठे के बहुत शौकीन होते हैं, तो भाई ये एक तरीके का ना पराठे वराठे आते हैं, बिकाजी ब्रांड है तो उनका ये पराठा है और इसमें 6 पीसेस हैं पराठे के, और यार ये दही वही के साथ सुबह का नाश्ते में हो जाए, क्यों बेगम गर्म करके खा सकते हैं हम ये, ठीक है भाई। तो इंशाल्लाह कल सुबह उठेंगे, सैटरडे संडे का नाश्ता हम लोग गर्म परगम पराठे के साथ, ऊपर मक्खन की भी टॉपिंग लगा देंगे थोड़ी, फ्राई व्राई करके खाएंगे यार फ्रोजन पराठा। सर जी इसकी प्राइस तो बता दें प्लीज़। यार इसकी प्राइस तकरीबन $3.5 है, $3.37 बन रही है, ठीक है। हमारी अंटियाँ जो है वो खासतौर पे मना करती हैं, लड़कों का अचार नहीं खाना चाहिए, ये नेशनल का अचार है, ठीक है भाई। देख सकते हैं इसकी प्राइस भी बता देते हैं आसिम भाई, इसकी प्राइस जो है वो यहाँ पे लिखी नहीं है, ओ 4.97। तो भाई ये आम का अचार, अच्छा यार बहुत सारे लोग जो आते हैं ना यहाँ पे, हमारे यंग जो इंटरनेशनल स्टूडेंट ज़्यादातर आते हैं कनाडा में, वो प्रेफर करते हैं कि भाई एनर्जी ड्रिंक्स पिए कंपैरेटिव टू नॉर्मल ड्रिंक्स। खैर नॉर्मल ड्रिंक्स भी ठीक ही नहीं है, खासतौर पे तो प्रेफर मैं करूँगा कि भाई आप दूध वगैरह पिए और लाइक नॉर्मल चीज़ें जो खास खास गिज़ा है वो खाएँ, बट हम लोग वही ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, मैं भी भाई ऑब्वियसली पीता हूँ, मैं किसी को वो नहीं कर रहा, बट एनर्जी ड्रिंक्स थोड़ी अवॉइड करें, जैसे रेडबुल हो गई या हम लोग लाइक बहुत ज़्यादातर जो है अगर आप ये देखो। अच्छा बहुत सारे लोगों ने ऑब्वियस यार ये देखो रेडबुल है और रेडबुल की प्राइस जो है वो $8 है, ये 4 पीसेस की, ये देखिए 4 पीसेस की, बहुत सस्ती है, बहुत सस्ती है। जब हम लोग देखते हैं ना ड्रिंक सस्ती है, रेडबुल सस्ती है, तो हम लोग इसको उठा लेते हैं, लेकिन खास तौर पे यार जिनके छोटे मोटे बच्चे उनको रेडबुल आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड के अवॉइड ही करें, वैसे पिलाएं मत, पीनी चाहिए,
कम से कम मैं देखता हूँ 2 से 3 साल बाद ना उनके मैदे उनकी सारी बॉडी जो है ना वो आपकी, क्योंकि आप एक जबरदस्ती अपनी बॉडी को एनर्जी दे रहे हो बेकार की, और वो बॉडी ब्लो अप करता है, वो आपका जो मैदा है ना वो बर्स्ट करता है, क्योंकि एनर्जी ड्रिंक है वो बर्स्ट करता है, उनके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले होते हैं जिसकी वजह से बॉडी बर्स्ट होती है। तो ऑब्वियसली यार वो मैंने 1 साल काम किया है हॉस्पिटल्स में, मैंने जो पेशेंट्स इसके आते हैं उनकी मैंने बीमारियां देखी हैं, बहुत खतरनाक बीमारी होती है। मतलब मैं भी अब अवॉइड करूं एक दफा पीने से भी। सर जी मैं तो नहीं पीता ड्रिंक्स वगैरह, मैंने पक्की छोड़ दी। आगे चलें फिर और ड्रिंक्स कवर करते हैं तो भाई तो कोक आ गई, फैंटा। यार फैंटा यार पाकिस्तान में नहीं मिलती, मिरिंडा मिलती यार, फैंटा खत्म हो गई। अच्छा? मैंने तो कराची में कहीं भी नहीं मिरिंडा मिलती है, फैंटा नहीं मिलती। अच्छा यार यार मिरिंडा के एक केन की फ्राइज शायद $3 प्राइस आ रही है मेरे ख्याल से, ज़्यादा नहीं हुई बहुत ज़्यादा प्राइस यार, ज़्यादा प्राइस हो गए काफ़ी यार। एक मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा पिया था और मैं बहुत ज़्यादा पीता हूँ, वो है कैनेडा ड्राई। वो मैंने आते ही पहले दिन मेरा दोस्त जो थे, मैं उसका नाम कभी भी नहीं भूलूंगा, हमारे इंडियन दोस्त थे, इंडियन भाई था, सुना शजी भाई आप आए हो ना अभी कैनेडा ड्राई, ये वाला नहीं ग्रीन वाला, ग्रीन वाला हम दिखाते हैं आपको। इच्छे यार ये देखो कैनेडियन है, आपने कैनेडा ड्राई नहीं पिया तो आप कैनेडियन। वो कैनेडा ड्राई बहुत टाइट है यार, इसका लाइम फ्लेवर होता है बट इट्स रियली गुड। हाँ ये देखें ना आप लोग, केन देख सकते हैं भाई, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एनर्जी ड्रिंक्स भी हैं इसमें, और एक एक डॉलर के हैं ये, बहुत ज़्यादा हैं। अब आई डोंट नो, मैंने कभी टेस्ट वगैरह तो किया नहीं है। अब जैसे ये रेडबुल है $5 की 2 हैं, ठीक है, इसी तरह डिफरेंट फ्लेवर्स हैं इसके अंदर रेडबुल के अंदर भी। ये मॉन्स्टर है, ये भी भाई एनर्जी ड्रिंक है, इसको भी अवॉइड करें, ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें। आपने तो नहीं पी यार, आई बिलीव गेटोरेट बहुत अच्छी है यार। गेटोरेट एक इसका थोड़ा सा जो हम लोग को, क्योंकि हम लोग जो पाकिस्तान में थे तो इन लोगों की स्पॉन्सरशिप चल रही थी, हम लोग को फ्री गेटोरेट दी थी इन लोगों ने, और बहुत अच्छी स्पॉन्सरशिप कर रहे थे ये लोग। बट मुझे थोड़ी बेहतर लगी, इसका ब्लूबेरी फ्लेवर बहुत अच्छा है कंपैरेटिवली दूसरों से, और आई थिंक स्पोर्ट्स पर्सनल के लिए तो बहुत अच्छी है। हम लोग जब ना यहाँ पर चाहिए भी याद, अब क्रिकेट जब खेलते हैं तो हम लोग यही गेटोरेट वगैरह ज़्यादा पीते हैं यहाँ पे। ये मुझे तो ये पूछ रही थी ऑरेंज वाली, अच्छा यार ये ना थोड़ी सी जिसे कहते हैं ना चॉकलेट्स हो गए, बिस्किट्स वगैरह हो गए, चॉकलेट्स हो गए, यहाँ पे ज़्यादातर बच्चों का सेक्शन ही है, वैसे बड़े भी बहुत ज़्यादा होते हैं यार। एक तो ये तो ट्राइडेंट का है ऑब्वियसली, मैं यहाँ से यार पाकिस्तान लेके गया था, ट्राइडेंट कहाँ पे गई ये यार, ये मैं 2 पीसेस लेके गया था $6 के, तो मतलब ईच जो है वैसे अगर खाली आप एक खरीदो तो $4 की है, और 2 खरीदोगे तो आप $6 की है। इसी तरह यार डिफरेंस है, यहाँ पे मेंटोस है, M&M हो गई, चॉकलेट्स हैं। अच्छा बहुत सारे लोग जो होते हैं वो भाई जब जा रहे होते, ट्रैवल कर रहा था मैं तो यहीं से मैं चॉकलेट्स वॉलमार्ट से भर के गया था, और आई बिलीव चॉकलेट्स के जो पैकेट्स हैं आपको मैं थोड़ी पैकिंग दिखाता हूँ। ये इनकी पैकिंग हुई हुई है मल्टीपल पैकेट्स की भाई। आसिम भाई मैं यहाँ से जब गया था ना पाकिस्तान तो मैं ये चॉकलेट्स इस तरह लेके गया था, ये किटकैट्स है, इसमें इसके 10 पीसेज हैं। इसी तरह आप ये देख लो, ये देखो $2 का है और इसमें कोई 10 पीसेज हैं, छोटे छोटे पैक पीसेज हैं, क्या छोटी छोटी चॉकलेट की खाई जाती है। इसी तरह आप ये अपना बाकी ब्रांड्स भी देख लो, ये देखो हर्शीज़ की, ये 3 पीसेज हैं हर्शीज़ के, इट्स अ रियली गुड चॉकलेट, $10 के 3 पीसेज हैं हर्शीज़ के, तो दैट्स रियली गुड। इसी तरह मार्स हो गई, ये मैं लेके गया था, ट्विक्स हो गई, इस तरह के मैं पीसेस वगैरह लेके गया था। अब ये देखो आप मार्स हो गई, ये $2 का पीस है खाली, और इसमें तकरीबन 10 चॉकलेट्स हैं। इन शॉर्ट जी, इन शॉर्ट इस कंट्री में आपको मीठा इतना मिलेगा, मीठा मीठा चॉकलेट, चॉकलेट्स खास तौर पे बहुत ज़्यादा हैं लोग यहाँ पे ना, केक्स, मीठे केक्स बहुत खाते हैं, और छोटी छोटी चीज़ें बहुत खाते हैं, कुकीज़ बहुत खाते हैं, तो ये लोग इसके बहुत शौकीन होते हैं। बिल्कुल यार, ये हम कहते हैं ना सिनेमन पाउडर होता है, सिनेमन स्टिक्स होती हैं, तो हम सिनेमन स्टिक्स ले रहे हैं। ये कावे वगैरह के लिए भी बहुत टाइट होती है और खानों में भी बहुत ज़्यादा डलती है, तो ये सारे यार मसालों का है। हम आपको दे जो इंटरनेशनल मसाले पैकेट है ना, जो नेशनल के हो गए या और शान वगैरह के हो गए, उधर भी लेके चलते हैं, बट फिलहाल अभी ये छोटे छोटे जो मसाले होते हैं ना, जो जैसे कहते हैं ना देसी मसाले, वो अभी दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हम दिखा रहे हैं सिनेमन स्टिक्स। सिनेमन स्टिक्स जो है यार तकरीबन है मेरे भाई $2 का, ये तकरीबन $2 की है। मसाले बहुत सस्ते हैं यार, ये मसाले बहुत सस्ते हैं, और अच्छा ये वन टाइम नहीं है, ऑब्वियसली आप बहुत बाद में भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा भाई ये हम लोगों ने, अच्छा तैनी में पापरिका को क्या कहते हैं यार, ये है लाल मिर्च, ये हमने वाइफ से कंफर्म किया है, पापरिका, पापरिका को लाल मिर्च कहते हैं, लाल मिर्च भी डालने, सब $2 के पैकेट हैं, ठीक है भाई। हमें नहीं पता यार, हम तो यही खाते थे फ्रोजन फूड, अभी हमारी वाइफ वगैरह आई हैं, आपको पता है, नहीं नहीं भैया वाइफ आई हैं, हम थोड़ा मसाले वसाले का खाना खाएंगे पाकिस्तानी वाला। यार आपको ना यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पर जब लोग आते हैं ना, मर्द हजरात जब आते हैं ग्रॉसरी करने, तो उनके कानों में फोन लगा होता है। हाँ बीवी से पूछे कौन सा, अबे मैं तो उसको यही तो बता रहा हूँ, मैं जब छड़ा था ना, मतलब जब मेरा शादी नहीं हुई थी, तो मैं इसी वॉलमार्ट आता था, मैं तेरिंग के साथ वीडियो कॉल पे था, तेरिंग देख
ये वाला है, देखो ये वाला सही है। मैं कहता हाँ ये वाला सही तो है, लेकिन इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो उसको पता थोड़ी होता था कि प्राइस कितनी है। बट यार चीज़ों के लिए हम लोग यही पूछते थे कि भाई ये वाला कितने का है, क्या है, किस तरह का हिसाब है। अभी आई है तो ये ले रही, मैं इसको यही बोल रहा हूँ कि भाई तुम सारे उठा लो, क्योंकि ये वन टाइम ही है, फर्स्ट टाइम हमारी ग्रॉसरी हुई है, तो उसको बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, ये लॉन्ग टर्म यूज़ हो जाता है। बिल्कुल। यार भाई हम लोग यहाँ पे दालों के सेक्शन में आए। अब ये जैसे हो गया यार, ये चने हैं, ठीक है, चने जो हैं वो है 2.97 के, और ये कितना इसका वेट है, 900 ग्राम तकरीबन, एक किलो जो है वो है $3 का। तो अब आप कैलकुलेशन कर सकते हो, तकरीबन 300 ग्राम जो है वो $1 का है। अगर किसी भी इंडियन से पूछोगे या पंजाबी से पूछोगे, इसका बिल्कुल पक्का जवाब देगा राजमा। हम लाल लोबिया कहते हैं इसको, राजमा कहते हैं ये लोग, और ये लोग राजमा तकरीबन रोज़ खाते हैं। मैंने हर पंजाबी को रोज़ खाते हुए देखा है राजमा, इसका सालन भी बन जाता है। और भाई सबसे अगर दालों में हाई प्रोटीन्स होते हैं तो वो इसमें होते हैं, रेड बीन्स में। जो बॉडी बिल्डिंग करता होगा, जो जिम जाता है, उसको पता है कि सबसे ज़्यादा लाल लोबिया खाया जाता है। उसके अलावा फिर यार ये सब $3 के तकरीबन। अच्छा लाल लोबिया, सॉरी मैं लाल लोबिया की प्राइस बता रहा हूँ, ये भी $3 का है, लाल लोबिया भी $3 का है। और अगर हम ये यार ये चने हैं, नहीं ये चने हैं, और ये जो दालें हैं ना भाई, ये अगर हम पीली दाल और ये अब मूंग मसूर होते हैं, मुझे नहीं पता कौन सी मूंग है कौन सी मसूर है, ये भी $3 के, ठीक है। यार अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं ये कैचअप वगैरह के सेक्शन में। इसका सेक्शन को हम कहते हैं यार, देखो इसमें हो गए पिकल्स एंड ऑलिव्स मिल जाएंगे, ऑयल एंड विनेगर और सैलड की ड्रेसिंग। भाई मुझे रशियन सैलड बहुत पसंद है, और मेरी वाइफ जो है वो बॉयल आलू होते हैं, नूडल्स होते हैं, पाइनएप्पल्स होते हैं, उसको भी रशियन सैलड बनाते हैं, बहुत टाइट बनती है। भाई ये कैचअप वगैरह का सेक्शन, अगर कोई कैचअप वगैरह पूछना चाहे तो भाई यहाँ पे फ्रेंच का कैचअप मिलता है 1 लीटर का 3.97 का। तो अभी हम एक जो है वो ये उठा लेते हैं, हम बड़ा वाला उठा लेते हैं इनफैक्ट। अच्छा भाई देखें यार, यहाँ पे आपके हर किसी के ना आयल्स बने होते हैं, आयल्स में ही होता है कि भाई ये जूस एंड ड्रिंक्स का है, तो इसमें सारे जूस एंड ड्रिंक्स होंगे। इसके अलावा आप नेक्स्ट वाला देखोगे यार, ऐसे नेक्स्ट वाला हम दिखा सकते हैं, कॉफ़ी, टी, सीरियल, ओटमील, पीनट बटर स्प्रेड्स वगैरह, मतलब जो सुबह का नाश्ता वगैरह होता है वो नेक्स्ट आयल के अंदर है। अब हम थोड़ा सा जूसेस वाले आयल पे, तो हम ज़रा देखेंगे ओटमील वगैरह भी हमें मिल जाएगा नेक्स्ट वाले आयल में। अब ये कौन सा ब्रांड अच्छा है? अच्छा बहुत अच्छा है। अच्छा यार अगर बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि इंस्टेंस कि हमें यहाँ पे किसी के कभी टैग्स नहीं लगे होते, टैग्स पुराने लगे होते हैं या टैग्स लगे ही नहीं होते, तो अगर आपको यार फॉर एग्जांपल ये हो रहा है कि टैग्स आगे पीछे हो गए और उसकी प्राइस चेक करनी है, तो हम क्या करेंगे कि इसका बारकोड होता है, ये रहा इसका बारकोड, और ये बारकोड हम स्कैन करेंगे, सिंपली पास द बारकोड ऑफ द आइटम यू नीड टू फॉर अंडर द स्कैनर, ठीक है, ओके। तो अब हम इसका जो है ये बारकोड यहाँ पे, इसकी प्राइस बता दी 11.97, और यहाँ पे प्राइस कितनी आ रही थी 11.97। ओके यार अब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं वॉलमार्ट पे, जो हम लोग पीने वाले ना लोग सबसे ज़्यादा कैनेडियन जो पीते हैं वो पीते कॉफ़ी। अब आसिम भाई अगर हम लोग इनको दिखा सकें तो भाई इनकी ओरिजिनल कैनेडियन ब्रांड्स हैं, इनकी रिसेंटली इंडिया में एक ब्रांड खुला है, रिसेंट एक ब्रांच खुली है इंडिया के अंदर टिम हॉर्टन्स की, तो भाई ये एक बहुत टॉप ब्रांड है और बहुत सारे लोग पीते हैं। भाई जैसे इधर हम लोग दिखा सकते हैं इसकी है, ये है कैपेचिनो है। अब मैं इनकी जो मेन जो टॉप ब्रांड जो सबसे ज़्यादा चलती है वो चलती है फ्रेंच वनीला, सबसे ज़्यादा यही चलती है। उसके अलावा भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक ब्रांड चलती है, दुनिया की टॉप US ब्रांड है, जो कि कहलाती है स्टारबक्स, उसकी भी आप यहाँ पे इसको मिल जाएंगी, स्टारबक्स और गोल्ड प्यू आपको मिल जाएगा, ओवल्टीन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। प्राइसेस यार आपको 11.67 का है, बट ये कोल्ड ब्रू है, आई थिंक ये मिक्सचर होगा उस तरह होगा। मैं इसकी ना ज़रा कॉफ़ी बता देता हूँ, मैं ये आ जाए इधर आ जाए इधर आ जाए इधर आ जाए भाई, ये मैं अपने जो हमारे ससुर जी हैं उनको ब्लैक कॉफ़ी बहुत पसंद है, तो मैंने कहा यार उनको ज़रा हम लोग ना स्टारबक्स की कॉफ़ी बनाते हैं। ये होल ग्रेन्स हैं, मतलब जो कॉफ़ी के एक्चुअल बीन्स होते हैं वो ये वो बीन्स हैं, आपको ये कॉफ़ी के अंदर इनफैक्ट मशीन के अंदर ये ब्रू होंगे और उसके बाद ये पी जाएगी, ये मशीन के अलावा नहीं हो सकती, ये कॉफ़ी मशीन में ही पी जा सकती है। तो इसके ये कॉफ़ी के बीन्स होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोग मैकडॉनल्ड्स की काफ़ी पीते हैं, मैकडॉनल्ड्स की भी जो कैफ़े होते हैं मैक कैफ़े की है, ये इस तरह की बीन्स होते हैं, ये सारे इनमें ना ये इस तरह के बीन्स होते हैं। तो ये स्टारबक्स की है, ये मैक कैफ़े की है। अब हम एग्जांपल प्राइस देखते हैं, अगर 900 ग्राम की तो $24 की मैक कैफ़े की है, $20 की जो है वो स्टारबक्स की है, ठीक है भाई, $20 की जो है वो स्टारबक्स की है। उसके अलावा अगर हम आगे जा सकें तो यार डिफरेंट ब्रांड्स हैं, बट तीन जो दो तीन टॉप ब्रांड्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं स्टारबक्स, टिम हॉर्टन्स और मैक कैफ़े जो है वो ऑब्वियसली एक ब्रांड है, बहुत सारे लोग पीते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हम लोग जो पीते हैं वो पीते हैं नेस्कैफ़े। नेस्कैफ़े की हमारी आदत है यार, क्योंकि लेकिन इसमें एक बात याद रखिएगा कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता, बट नेस्कैफ़े में डिफरेंट डिफरेंट जो है वो फ्लेवर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो गोल्ड हो गया,
ठीक है, इसमें गोल्ड आ गया, एक्सप्रेसो हो गई, ठीक है, इसमें मीडियम हो गई, ठीक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट है यार, इसमें साशेज भी होते हैं तो ये भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। नेस्कैफे के अंदर भी फ्रेंच वनीला है तो ये डिफरेंट फ्लेवर्स वगैरह के अंदर भी आपको काफ़ी मिल जाती है। और इसकी तकरीबन आपको अगर जैसे ये मैंने जो बॉटल उठाई है इसकी प्राइस जो है वो $5.97 है और आई थिंक ये आपको एक महीना आराम से निकाल देती है। तो मैं ये उठा के अपने बॉक्स में डाल रहा हूँ। अच्छा भाई, हमारे बहुत सारे लोगों को ग्रीन टी बहुत पसंद होती है तो हम आज उठा लेते हैं टेटले की ग्रीन टी। आई थिंक और कोई ग्रीन टी इतनी कोई खास नहीं है, डिफरेंट ब्रांड्स हैं बट आई थिंक टेटली की ग्रीन टी अच्छी है तो हम ग्रीन टी के दो पैकेट्स उठा लेते हैं। इसमें है 48 टी बैग्स हैं तो हम 48 टी बैग्स उठा लेते हैं। आई थिंक एक मोर देन इनफ है तो 48 टी बैग्स हैं, मोर देन इनफ है तो हम ये बाय कर लेते हैं। अच्छा फिर आज यहीं से नीचे आगे चलते हैं। सारे जो पाकिस्तानी इंडियंस होते हैं ना उनको बिरयानी वाले चावल डिफरेंट डिफरेंट तौर के जो चावल होते हैं ना वो बहुत ज़रूरी होते हैं। और भाई यहाँ पे ये बड़ा प्रॉब्लम है कि चावल वगैरह जो है ना वो ठीक नहीं मिल पाते या इनके जो डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं वो हम लोग ट्राई करते रहते हैं और फिर ट्राई करने के बाद ही पता चलता है कि भाई ये वाला अच्छा, ये वाला अच्छा नहीं है। तो अभी जो खास तौर पे मैं जो रिकमेंड करूँगा ना, दो तरीके के चावल जो बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है, एक होता है बासमती चावल, एक और होता है आई थिंक उसका मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, वो भी बहुत अच्छे चावल होते हैं। अच्छा, चावल की क्वालिटी देखिए जितने पुराने होते हैं उतने अच्छे होते हैं। तो फिलहाल जो है वो मुझे बासमती राइस जो है वो मुझे उठाने थे तो मेरे हिसाब से ये सितारा ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है और भाई इंडिया इज़ वन ऑफ़ द टॉप फॉर टू थिंग्स। अच्छा, दो चीज़ें तो मुझे पता है क्योंकि ऑब्वियसली मेरी जो फैमिली या फोफादर्स हैं वो इंडिया से रिलेट करते हैं अम्मी के साइड के, तो उन्होंने की दो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, काजू और एक चावल। चावल और काजू इंडिया के बहुत ही टॉप लेवल के हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। मैं भी ये देख लें इसके बासमती चावल हैं यार, इनकी प्राइस जो है वो $16.50 है, $16.47 है और ये है 5 kg, 4.5 kg, 4.5 किलो तकरीबन आपको मिल रहा है $16 का। तो आप समझ सकते हैं कि एक किलो आपको मिल रहा है $4 का। वॉलमार्ट में जब भी आ रहे हैं इंटरनेशनल सेक्शन में जब आप आएंगे ना तो आपको यहाँ पे देसी चीज़ें अपनी मिलनी शुरू हो जाएंगी, चावल, आटा, ठीक है, मसाले। अभी हम लोग का आगे और कवर करते हैं तो साथ आप कनेक्टेड रहें, आगे भी कवर करते हैं। अच्छा यार, मैंने घर के लिए आटा लिया है और भाई भाई आटा हम लोग रोटी वोटी तो दबा के खाते हैं, क्या ख्याल है भाई? सुबह के पराठे वराठे हो गए, दिन का खाना वाना हो गया। भाई हम लोगों ने गोल्डन टेम्पर का आटा लिया है, ये तकरीबन है $12.50 का और ये 9 किलो, अगर 12 किलो को $12 को हम डिवाइड करेंगे 9 किलो से तो तकरीबन $3 इस तरह कुछ बनता है। आप लोग कैलकुलेट करके कमेंट्स में बताएं कितना बनता है भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई आटा वाटा। और उसके बाद हम लोगों ने आपको चावल भी बताया कि क्या हिसाब किताब है चावल का। अब आ जाते हैं भाई इन सारी चीज़ों के साथ सालन में, मसाले वसाले भी तो चाहिए ना। और इधर आ गए हम लोग शान मसालों पे। अब भाई ये आ गए आपके टिक्का मसाला आ गया, टिक्का सीख कबाब मसाला आ गया, कौन सा नहीं यार, तंदूरी मसाला आ गया और लाहौरी फ़िश है, चिकन टिक्का है, दही बड़ा मिक्स है, शान के यार सारे मसाले यहाँ पे तकरीबन। और अगर इनकी प्राइस चेक करें, आसिम भाई इनको प्राइस दिखा सकते हैं, तो 1.77 तकरीबन। और यार आई पर्सनली बिलीव ये आपका तीन टाइम्स निकाल सकते हैं। उसके अलावा आपका यार आप लोग बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, चाट मसाला हो गए, छोले मसाले हो गए, सारे कवर हो रहे हैं। अच्छा यार, बहुत सारे लोग जो है ना, खास तौर पर ये मैं लेकर आता जब दावतें वावतें होती थी ना, तो ये मिक्स हलीम है, ये बहुत इजी कुक होता है, ये हमारी अम्मी जो है ना वो मिक्स हलीम बनाती थी तो ये वाली मंगाती थी शायद जी, वो मिक्स हलीम है, उसमें सब कुछ मिक्स होता है, इसमें ये रेडी टू कुक होता है और इसमें आप जो है वो पीसेस के इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब लिखे हुए, आप उसको ऐसे यूज़ करके बना सकते हैं। अच्छा यार, आप लोग कुछ भी पी लो ना, पाकिस्तान में आपको अगर पिया है आप लोगों ने, इंडिया में भी बहुत सारे लोग जो हैं, एक इंटरनेशनल ब्रांड है ड्रिंक के मामले में, बहुत सारे लोग पता नहीं पीते नहीं पीते, मैं तो खैर बहुत ज़्यादा पीता हूँ यार, गर्मी और रमज़ान में तो सबसे ज़्यादा इस पर सेल लगी हुई होती है, रमज़ान में बहुत सस्ता मिलता है। फिलहाल तो ये है $5 का, 5.4 सेंट्स, और अगर मैं बोलूँ ना ये 5.4 सेंट्स इसकी प्राइस के हिसाब से, आई थिंक यार ये 200 से 300 रुपए की बोतल मिलती है, आई थिंक 300 रुपए की चलो मिलती होगी पाकिस्तान में, 300 साढ़े 300 रुपए की मिलती होगी, यहाँ पे $5 की है। और अगर आप $1 160 रुपए तो तकरीबन ये 1,000-1,200 रुपए की यहाँ पे पड़ रही है, 1,200 से 1,300 की, आई थिंक इससे भी ज़्यादा, बट आपको ये यहाँ पे 1,500 रुपए की बोतल, अराउंड से 1,200 से 1,500 की बोतल यहाँ पे आपको पड़ रही है। और घर पे आप कितने की इस्तेमाल करते हैं, 200 से 300 की, तो भाई अपनी लोकल ब्रांड्स की जो है ना वो प्रोटेक्शन करें और उनको यूज़ करें। और ये जो चीज़ है ना, अगर ये 20 की भी कर देना हम इसको तब भी लेंगे ना, छोड़ेंगे नहीं हम इसके साथ यार, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है दूध वगैरह में और
रेगुलर ब्रांड है बहुत। Exactly. ये प्याज खराब तो नहीं हो रही ना? अच्छा ले लो जी, टमाटर ले लो, प्याज ले लो, सब्जी मंडी, हम सब्जी मंडी में आ गए, नाना पाटेकर बन जाते हैं हम, आलू ले लो भैया। वॉलमार्ट है तो वॉलमार्ट के अंदर सारी चीजें, वेजिटेबल्स वगैरह सारी चीजें होती हैं। तो भाई अब ये एक जो है ना, ये हम लोग प्याज ऑब्वियसली सारी चीजों में यूज हो रही होती है। अच्छा यार अब ये एक हम बैग उठा लेते हैं। आए भाई ये 4.5 किलो का बैग है भाई, तकरीबन $9 का पड़ रहा है, तो समझो यार $2 तक का है। क्योंकि भाई हम लोग फर्स्ट टाइम हम लोग चीज़ें ले रहे हैं, तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं भाई ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम चीज़ें उठाएं, ताकि बार बार आना जाना ना पड़े, कम्यूट वगैरह भी पड़ता है महंगा और ये सारी चीज़ें, और लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं कि भाई एटलीस्ट 2 से 3 हफ्ते या महीना भर चीज़ें चल सकें। अच्छा भाई जहाँ पे होती है प्याज वहीं पे होता है आलू, तो हम लोग को पड़ रहा है तकरीबन जो है वो, यार बैग उठाने का मकसद ये है कि एक तो हमें बल्क में मिल जाता है और प्राइस हमें कम पड़ती है, तकरीबन $6 का हमें पड़ रहा है, एंड दैट्स द प्राइस इज़ अराउंड यार उतने ही है जितनी प्याज थी, 4.5 kg और 4.5 किलो, और हमें $6 का पड़ रहा है। कहते हैं ये $2 से भी सस्ता है, लेकिन यार आलू मैं जब मैं अकेला था मैं नहीं कर पाता था, अब मैं चिप्स वगैरह नहीं बना सकता था, बट अब वाइफ है तो थोड़ा सपोर्ट हो जाता है, चलो मिल के काट लेंगे, लेकिन हम बना लेंगे यार। वैसे हम ये पर वीक का बोल रहे हैं कि पर वीक की नहीं, पर वीक की नहीं, एटलीस्ट महीने की ग्रोसरी है, मोर देन मंथ की ग्रोसरी। तो ये वीडियो में हम ये भी कवर कर रहे हैं कि भाई हम लोग तो वॉलमार्ट की ग्रोसरी उनकी प्राइसेस भी दिखा रहे हैं, और साथ के साथ ये दिखा रहे हैं कि जो न्यू इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, अगर वो फर्स्ट टाइम बाइंग कर रहे हैं वॉलमार्ट के अंदर, ये भाई पहली दफ़ा ख़रीद रहे हैं, तो आपके पास थोड़ा बहुत बजट होता है, तो मसाले वसाले लॉन्ग टर्म चल सकते हैं, तो चीज़ें थोड़ी बल्क में ले लें, उसमें प्राइस कम मिलती है, डिस्काउंट्स होते हैं, तो थोड़ा लॉन्ग टर्म चल सकता है, तो ये नहीं होगा कि बार बार आना जाना पड़ेगा आपको। बिल्कुल भाई यार जिंजर और सिनेमन की टी हम लोग बहुत पीते हैं, तो हम अभी हम नहीं पीते अभी, हम लोग ये डाल रहे हैं, ये क्या होता है भाई, जिंजर होता है ये। अब यार मुझे आज तक ये अदरक और लहसुन में फ़र्क ही नहीं पता चला, ये अदरक है ये लहसुन है, पता नहीं क्या है, ये क्या है, अदरक है ये लहसुन, ये क्या, ये अदरक है और ये लहसुन है, हमारी लहसुन लग गया इसमें। अदरक की है 1.67 पर केजी, नहीं पर एलबी भाई, एलबी का फर्क ये होता है कि, अच्छा केजी जो है वो 3.67 है, एलबी पाउंड है, आप लोग जब ना वेजिटेबल सेक्शन में आते हैं, तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पर एंटर हो, तो ये जगह देखते कर, यहाँ पर लो प्राइस में चीजें मिल जाएंगी, काफी ज्यादा ना लो प्राइसेस होती हैं। अब ये होता है कि भाई कुछ चीजें बहुत सारी पुरानी हो रही होती हैं, तो उसमें ये होता है कि कम प्राइसेस वगैरह मिल जाती हैं, तो आप ये चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आ जा भाई, हम ये दिखा सकते हैं, तो ये 77 सेंट्स की गाजर वगैरह मिल रहे हैं, स्टफ लाइक दैट, बट थोड़े पुराने हो रहे होते हैं, तो इस वजह से प्राइसेस थोड़ी लो होती हैं इसकी। यार हरी प्याज ले रहे हैं, अब हरी प्याज क्यों इस्तेमाल होती है तरीम, चाइनीज़ के लिए, यार चाइनीज़ के लिए हरी प्याज इस्तेमाल होती है, और ये हम लोग इसको लेटस कहते हैं, इसके 77 सेंट्स $0.77 मतलब 77 सेंट्स के लेटस, और वो ग्रीन कैबेज, ये कैबेज है, ये कैबेज है, ये ग्रीन अनियंस है, ये चाइनीज़ वगैरह में ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं, तो ये हमने लिए हैं। धनिया है, धनिया नहीं, नहीं धनिया ले रहा हूँ भाई, ये धनिया वो पुदीना है। अच्छा भाई अच्छा भाई अक्सर ऐसा होता है, नहीं अलग होगा ना बेटा, ये अलग है ना, अलग प्राइस होगी, मैं बताता हूँ, रुक जाओ यार, मैं एक सेकंड बताता हूँ, रुक जाओ यार, मैंने धनिया लिया है, आई डोंट नो व्हाट्स द प्राइस फॉर दैट, प्राइस यहाँ पे लिखी भी नहीं है यार, प्राइस जो भी होगी अराउंड लेस देन $2 ही होगी सर, ये जी बड़ी है, ऊपर पड़ा हुआ 97 सेंट्स का है, 97 सेंट्स का है, लेकिन यार ये 20 रुपये का नहीं है। हाँ। अब 20 रुपये का शायद पाकिस्तान में भी नहीं मिलता शायद, मैंने तो अभी रिसेंटली कोई सब्ज़ी खरीदी नहीं, बट आई थिंक सही है,
क्या ले रहे हैं यार? हम लोग टमाटर ले रहे हैं और ये पड़ रहा है तकरीबन $3 का पर LB। अब इसमें यार, इसमें आई थिंक अम्मी ने सिखाया था बेटा, देखो इसमें ना अम्मी यार मेरे रुक जो दो, हाँ एक ही प्राइस के, बट अम्मी ने सिखाया था कि थोड़े थोड़े पीले होने चाहिए तो थोड़ा टाइम चलते हैं, वो ज़्यादा ख़राब नहीं होते, ज़्यादा लाल होते हैं, वो शायद नरम पड़ जाते हैं। ये क्या था? Santa can speak Punjabi as well. A little bit, yeah. Faji, more Punjabi? More Punjabi? Any more dialogues? A little bit. Kaisa hai? Kaisa hai? Oh my god. Nice. Main changa, tusi sunao. Good. Good? We have Punjabi Santa as well today. Punjabi Santa. Thank you, thank you. That's it. अच्छा भाई, हम लोग वेजिटेबल्स वगैरह का सारा सीन हो गया है, अब हम आए हैं फ्रूट्स में। अब वो वाली साइड अगर दिखा सकते हैं तो भाई वो थे वेजिटेबल्स सारे, अब हम आ गए यहाँ पे, ओ हाँ वेजिटेबल्स थे, अब यहाँ पे हम लोग आ गए फ्रूट्स में। भाई फ्रूट्स में अनार शनार भी है और 2.97 पर LB, और दिस आप लींबू का साइज़ चेक कर रहे हैं भाई? लींबू चेक कर रहे हैं आप? ये एक्सपोर्ट माल है, एक्सपोर्ट माल यार। 87 सेंट्स, मतलब ऑलमोस्ट $1 का एक, 160 रुपये का एक लींबू। लेकिन भाई आप डॉलर में कमा रहे हैं यहाँ पर, ये भी देखना आपने, आपने नहीं यार, बट 160 रुपये का एक लींबू बहुत महंगा है यार। यार ये मौसम्बी, यार जिसने ये वाली मौसम्बी नहीं खाई ना, उसने कुछ नहीं खाया यार। यार मौसम्बी डालो यार, ये वाली यार अभी यार बहुत सस्ती है वाली मौसम्बी, इसीलिए तो खा रहा हूँ मैं, सस्ता फ्रूट खा रहा हूँ मैं। मैं बताता हूँ उसकी प्राइस है 2.27 पर LB, एंड दिस टेस्ट रियली रियली गुड। यार एप्पल्स हैं, बट एप्पल्स जो हैं वो रेड वाले ख़त्म हो गए, आई थिंक जो रेड वाले इनके अच्छे हैं ना वो ख़त्म हो गए उस साइड पे। यार यहाँ पे फ्रूट्स में एक जो अच्छा देख लेते हैं यार, ग्रेप्स वगैरह का ना ये अक्सर यहाँ पे है ना, हमारे मुल्क में नहीं होता बट यहाँ पे होता है कि ये देखो कट हुए हैं, ये देख रहे हो कट हुए हैं, ये $20 का डब्बा है। अब इसमें डिफरेंट फ्रूट्स हैं, पाइन एप्पल है, एप्पल है, अब जो आई थिंक ये पपाया है आई थिंक, और ये भी डिफरेंट फ्रूट है। तो इसी तरह ये देखो ब्रोकोली वगैरह भी है, $20 का है, ठीक है। और इसी तरह ये देखो $20 का बॉक्स बना हुआ है वेजिटेबल्स का, ये ब्रोकोली हो गया, ठीक है, गाजर हो गए, और खैब ये भी हो गए, तो ये पैकिंग वगैरह भी, ठीक है, और इसमें $10 का छोटा वगैरह भी बना हुआ है, तो यार ये काफ़ी अच्छा हो जाता है। और ये देखो ना, ये टाइम सेविंग हो गया, वाटरमेलन का बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ये देखो डिफरेंट फ्रूट्स का, मिक्स फ्रूट का बना हुआ है, तो इट बिकम्स रियली इजी। और जो लोग ऑब्वियसली जो नहीं कर पाते, यानी यहाँ पे इतना पॉसिबल नहीं होता। और इसी तरह ये चीज़ भी आप नोटिस करें, गाजर एक तो ये छोटे छोटे पीसेस कटे हुए भी होते हैं, तो ये भी आपको मिल जाते हैं तकरीबन $3 का ये। अच्छा भाई, अब दो तरीके के अंगूर होते हैं, लाल अंगूर होता है, हरा अंगूर होता है। लाल और हरे अंगूर में क्या फ़र्क है यार? मुझे तो लाल पसंद है यार, लाल वाला अंगूर का बहुत टेस्ट आइड होता है, देखें कितना बड़ा चल रहा है, पता है। हाँ अब यार, लेकिन मैं एक दफ़ा स्टूडेंट था ना, तो मैं एक स्टूडेंट के चक्कर में मैं समझा यार, ये पूरा बैग ना $3 का है, बट ऐसा होता नहीं है, ये पूरा बैग $3 का नहीं है, इसका वेट होता है LBs के हिसाब से। और मेरा बन गया था $12 के खाली अंगूर, और मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट था, और मेरी $15 एक घंटे की पे थी, तो मेरे $12 अंगूर में ही चले गए थे खाली। अच्छा यार देखो, इसमें ना काफ़ी हद तक ये भी कवरेज हो जाता है कि भाई कपड़े वगैरह भी मिल जाते हैं, बच्चों के भी कपड़े मिलते हैं, और क्रिसमस आ रही तो सारे क्रिसमस के ड्रेसेस वगैरह हैं। उसके अलावा भाई यहाँ पे हमारी जो है वो बर्तन है, यूटेंसिल्स हैं, उसके लिए काफ़ी चीज़ें यूज हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल भाई बर्तन, हाँ बर्तन धोने के लिए मैं ये लेता था भाई, हाँ ये ले लेते हैं। अच्छा भाई, लॉन्ड्री वगैरह का ये होता है कि यूजली यहाँ पे होता है कि भाई लॉन्ड्री स्टोर्स होते हैं, वहाँ पे आपको जाना पड़ता है, बट फॉर्चुनेटली मेरे घर पे ऐसा सीन नहीं है, लॉन्ड्री है ट्वाइस इन अ वीक है कि मैं उनके पास मशीन्स वगैरह हैं, मशीन भी है, ड्रायर भी है। लेकिन मशीन के लिए जो आपको जो जैसे कहते हैं आप लोग सर्फ कहते हैं, यहाँ पे ऑब्वियसली वॉशिंग मशीन में जो वो लिक्विड यूज़ होता है, तो उसको हम देखने आए। तो यार मैं ज़्यादातर आई बिलीव जो मैं लेता था वो यहाँ पे है, यस ये रहा, सनलाइट का मैं लेता था यूजली, तो ये यहाँ पे है, और ये सनलाइट का काफ़ी टाइम तक चल जाता है। तो फिलहाल हम ये लेंगे, इसकी प्राइस पड़ी है 16.97,
और 4 लीटर का है, तो फिलहाल हम अभी ये उठाते हैं। और इसके अलावा हमें फ्रेशनर्स वगैरह भी देखने होते थे कि यार कमरे वगैरह की फ्रेशनर्स वगैरह के लिए, तो आओ वो भी देखते हैं। और ये वाली साइड है जो हम यूज़ कर सकते हैं, इसमें अगर हम ये चाहें कि भाई वॉशरूम वगैरह साफ़ करने के लिए वगैरह हम लोग ये के देखते हैं कि ब्लीच वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। यार स्पंज ले रहे हैं, बर्तन धोने होंगे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बर्तन धोने की शादी के बाद, तो फिलहाल तो $3.50 का एक स्पंज जिसमें 3 स्पंज हैं। यार पड़े हैं ये 20.97 के पिलोज़, क्योंकि हमें भाई मैट्रेस अभी लिया है, तो फिलहाल अभी $21 के पिलोज पड़ गए हैं फिलहाल। भाई कपड़े, पिलोज, ये सारी चीज़ें, बेडशीट्स मैं लेकर आया हूँ, बेडशीट्स और पिलोज यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल पिलो भी लेकर आ जाए अगर लगेज का मसला नहीं। अच्छा यहाँ पर कनाडा में एक चीज़ जो ये यूटेंसिल्स हो गए, कटलरीज हो गई, ये वाला सामान सबसे ज़्यादा महंगा मिलता है यहाँ पर, अभी आपको बताऊँगा प्राइसेस। जी कढ़ाइयाँ कितनी महंगी हैं जी, देखें ज़रा जी, ये क्या कढ़ाई है जी, ये कढ़ाई कितनी महंगी है, $32 ये देखें जी, गुडनेस मैन, ओए होए, तकरीबन सारी ग्रॉसरी हो चुकी है जी शेजी की, खाने पीने के सामान से लेके यूटेंसिल्स वगैरह से लेके ये कपड़े धोने का सामान, घर साफ करने का सामान, ब्रशेज वगैरह सारी चीज़ें, चम्मच वगैरह सारी चीज़ें ले ली हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें रहती हैं फिर वो इंशाल्लाह आप लेंगे। हाँ जी यहाँ पर एक है डॉलरामा, हाँ उधर भी हम लोग कुछ चीज़ें जाके चेक करेंगे, बट फिलहाल अभी है टाइट वाली, कल बर्फ लगने वाली है भाई, मिलता है जाने का कि नहीं। हाँ जी अभी देख रहे हैं 10 बजने वाले हैं, वॉलमार्ट की जो क्यू की लाइन है, हम देखते हैं हमारा बिल कितने का बनता है टोटल। हाँ जी तो भाई जो भी फर्स्ट टाइम आ रहा है एक्चुअली इतना खर्चा होता है। हाँ जी खर्चा होता हो ही जाता है, फर्स्ट टाइम इतना खर्चा होता है बिल्कुल जी, और क्योंकि भाई आप सेटलिंग इन कर रहे होते हो, आपको और ग्रॉसरी भी आप ऐसे ले रहे होते हो कि ठीक है यार चलो भैया 3-4 महीने एटलीस्ट जो है वो चीज़ें जो नॉर्मल लॉन्ग टर्म की चीज़ें वो तो चलेंगी, बाकी नॉर्मल जो वीकली ग्रॉसरी होती है वो तो होती है। हाँ जी बिल्कुल। यार आज हम आसिम भाई और मैं ना साथ ही ग्रॉसरी करने आए, अब हम लोग की शर्त इस बात पे लगी है, आसिम भाई जो है वो बेचारे मैरिड हैं ठीक है और 2 बच्चों वाले, अब इनकी और हमारी ये शर्त लगी है, मैं आया हूँ फर्स्ट टाइम अपनी वाइफ के साथ ग्रॉसरी करने, कि ये वाला जो सामान है आसिम भाई जरा अगर वीडियो में दिखा सकें, ये वाला सामान कितने तक का होगा, आइडिया दें कितने पैसे लगेंगे। मुझे लगता है कि ये $350 के बीच में, अगर $500 लगे, मैं कह रहा हूँ $500 लगेंगे जो मैं सेफ्टी साइड ले रहा हूँ, आसिम भाई कह रहे हैं 300 तो 350, चलो 300 to 350 okay. और मैं कह रहा हूँ 500 तो लगेंगे ही लगेंगे okay. अगर 450 अबव चले गए, 480 अबव चले गए तो मैं बैट जीत गया, वरना आसिम भाई, और अगर आसिम भाई आप बैट जीत गए तो मेरी तरफ से आपको कॉफ़ी ठीक है, और अगर मैं जीत गया डन, मुझे लगता है 350 आई थिंक 400 तक जाएगा भाई, सामान दिखा दें इनको थोड़ा सा। आसिम भाई आपसे बैट लगी हुई है, लेट्स सी, $350 एंड अंडर आसिम, और अगर $450 एंड अबव तुषार जी, ठीक है भाई देखते हैं भाई कितनी इन्होंने घर की ग्रॉसरियाँ की हैं, ट्रीट दे मेरी, कैन यू रिपीट द बैलेंस प्लीज, $508 मिस्टर आसिम सर्वर, मिस्टर आसिम सर्वर बीइंग मैरिड एंड हैविंग अ लाइफ हियर स्टिल यू आर नॉट एबल टू कैच द प्राइस राइट, यू आर मैरिड, यू हैव 2 kids हियर, बट स्टिल I won. I'll definitely have a Tim Hortons French vanilla with you. Dang, 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 dang. भैया रात की ठंड में आप देख लें यार, ग्रॉसरी करने पहुंचे हुए हैं। हाँ जी वेलकम बैक, तो फाइनली शाहजी भाई की ग्रॉसरी हो चुकी है जी, सारा सामान ले लिया, देखें ठीक ठाक सामान है, और $500 का फटका पड़ा है भाई, और आसिम भाई से हम शर्त भी जीत गए,
वो आप एक शॉर्ट सी क्लिप में हम लोग एक अपनी बैट रखी थी वो आप देखेंगे, बैट हराम है लेकिन हम लोगों ने अपनी तफरी की रखी थी तो वो आप देखेंगे। और आज तक ये थी वीडियो, आई होप यू गाइस हैव लाइक्ड इट। और बहुत सारे जो लोग नए इमिग्रेंट्स आ रहे हैं और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको आइडिया हो गया होगा कि भाई क्या चीज़ कितनी कितनी प्राइस की है, इसमें से बेकरी आइटम्स, ग्रॉस मतलब डेयरी आइटम्स हो गए, आपकी दालें वगैरह हो गई, शान के मसाले पैकेट्स हो गए, इवन कुछ यूटेंसिल्स वगैरह भी हम लोगों ने कोशिश किया कवर करने की जो बेसिक यूटेंसिल्स हैं। ऑब्वियसली मेरा फर्स्ट डे इन कैनेडा, ऑलमोस्ट फर्स्ट मंथ इन कैनेडा एज अ मैरिड कपल, सो उसकी लाइफ अलग होती है, उसके खर्चे अलग होते हैं, ऑब्वियसली बढ़ ही जाते हैं, बट पार्ट ऑफ लाइफ। और माई मेक श्योर यू गाइज फॉलो आर फेसबुक पेज एज वेल, आसिम सर्वर वीलॉग्स के नाम से हमारा नया पेज है और आसिम सर्वर प्रोडक्शन के नाम से आपको पता है यूट्यूब चैनल चल ही रहा है। बाकी मेक श्योर यू गाइज ऑल्सो फॉलो शजीला पाकिस्तानी भाई, वी वर्क इन अ कोलैबोरेटिव मैनर ताकि यार हम लोग कोशिश करें कि वैंकूवर से, नॉर्थ अमेरिका से, यूएस कनाडा से जितने लोग हमें देख रहे हैं या पाकिस्तान इंडिया से, मेक श्योर यू गाइज सब्सक्राइब आवर चैनल यूट्यूब चैनल्स एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक पेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, टेक केयर, बाय।